gama bane ne zane baba gama bama mama mama dani 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 श्रोताओं नमस्कार। आज है कलयुग विक्रम संवत 2076 शक संवत 1941 और जी हाँ अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि एकम और जी हाँ अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से या इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिनांक आज बनती है। आज डेट है 29 सितंबर या 29 सितंबर सितंबर बोलिए या सितंबर बोलिए 2019 और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन एफएम 91.1 पर। जी हाँ पूरा तड़का लगा के आज आप तड़का लगाने के लिए आज आपके साथ मैं हूँ मनीष और मेरे साथ हैं द बॉलीवुड गुरु द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड श्री जगदीश जी। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जगदीश जी। गुड मॉर्निंग लिसनर्स और सब सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार और सलाम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सुप प्रभातम। आज की प्रभातम इज वेरी वेरी गुड सनी सनी वेरी सनी सनी वेरी वेरी धूप निकली जी बहुत बढ़िया जी आज तो बहुत मजा आएगा एकदम बसंत ऋतु आ गया जी। लेकिन हाँ बहुत बढ़िया इट्स फैंटास्टिक। पता नहीं क्यों मेरे अंदर कोई तमिल आज मणि मणि भाई आज आप नहीं आपकी याद आ रही है पता नहीं क्यों। लेकिन धूप धूप अच्छी निकली हुई है दिन अच्छा निकला हुआ है और लोगों और कैनबरा में तो कैनबरा में जी हाँ आप ऑनलाइन जो सुन रहे हैं हमारे ऐप के द्वारा दुनिया में कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में तो कैनबरा एसीटी में स्कूल हॉलीडेज शुरू हो गए हैं तो स्कूल हॉलीडेज के लिए तो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए यहाँ से कहाँ भाग जाते हैं पता नहीं क्यों भाग जाते हैं इतना बढ़िया वेदर है सिडनी जाते हैं कैनबरा में क्या ऐसे परेशानी कैनबरा इतना ब्यूटीफुल सिटी है यहाँ रह के एंजॉय करो यार इतनी जगह है आजकल तो कैनबरा छोटा सा नहीं रहेगा अब तो बढ़ गया है टेलर से लेकर बैंक्स तक इधर। और मैं कई लोगों को जानता हूं जो सिडनी में बहुत साल रह चुके हैं मेलबर्न में बहुत साल रह चुके हैं और फाइनली दे हैव सेटल्ड इन कैनबरा क्योंकि उनको लगता है कि कैनबरा इज अ वेरी नाइस प्लेस ट्रैवलिंग में टाइम नहीं जाता सीबीआर हो गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है एग्जैक्टली यस फ्लोरियाड चल रहा है और फ्लोरियाड मिकाज दुनिया में कहीं इतना बड़ा वसंत ऋतु का जो फूल प्रदर्शनी वो कहीं नहीं लगता है। जी हाँ वेदर की बात करें वेदर बहुत ही बढ़िया है और आप तैयार हो जाइए। जी हाँ गर्मियाँ आ गई क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जी हाँ आपको टेम्परेचर देख के आप दंग रह जाएंगे 27, 28 और 29 डिग्री है तो बस अपने जो निक्कर चड्डियाँ सब निकाल दीजिए टी शर्ट्स निकाल लीजिए स्विमिंग ड्रेसेस निकाल लीजिए क्योंकि अब यही पहन के आपको घूमना पड़ेगा। अब आपने जंपर्स और कंबल वंबल सब आप पैक करके रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों और साथ में आपको बता दें कि आज तो संडे है लेकिन आप लोग काफी लोगों ने पूछा कि ये जो डेलाइट सेविंग होता है ये अगले संडे से शुरू होगा 6 अक्टूबर से शुरू होगी डेलाइट सेविंग तो आज इस समय अगर 10:05 हैं तो अगले संडे को 11:05 हो जाएंगे तो आप लोग अपने घड़ियाँ आगे कर लेंगे अगले संडे को और साथ में अपनी डायरी में नोट कर लीजिए या कि आपको घड़ियाँ आगे करनी है बस। और बस जैसे बात कर रहे हैं बसंत ऋतु की तो त्योहारों का मौसम भी आ गया। जी हाँ त्योहारों का मौसम भी आ गया त्योहारें शुरू हो चुके हैं और एक महीने तक चलेंगे आज से शुरू हो गए हैं नवरात्रे का पवन पर्व और ये 9 दिन चलेगा 9 रात्रे होते हैं उसके बाद दशहरा आ जाएगा विजयदशमी का पवन पर्व 8 अक्टूबर को है और 6 अक्टूबर को अष्टमी मनाई जाएगी फिर आ जाता है जी हाँ द हस्बैंड्स डे कुछ लोग मनाते हैं 17 अक्टूबर को जी मैं अपने कैलेंडर में जरूर रखा हुआ हूँ। रेडियो मनपसंद का एक बहुत बड़ा त्यौहार तो लास्ट संडे हो गया था जी हाँ उस बारे में बात करेंगे उसके बारे में भी आप सबसे चर्चा करेंगे जी हाँ 17 अक्टूबर को है करवा चौथ और 27 अक्टूबर को है दीपावली का पावन पर्व 27 अक्टूबर दीपावली इस बार संडे को पड़ रही है तो आप लोग सब लोग तैयारी कर लीजिए धूमधाम से इसको मनाने के लिए और दिवाली की तैयारी और ये पूरा महीने भर
त्योहारों का मौसम है, तो मुझे लगता है कि आप सबों ने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी, मिठाइयाँ बननी शुरू हो गई होंगी, कपड़े लोग सिलवाते हैं आजकल नए सब रेडीमेड लेते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं, इजी हो गया अभी। और पुराने जमाने में बचपन में तो हम लोग सिला दिवाली के दिन या दिवाली के समय नए कपड़े सिला के लाते थे, मगर आजकल तो जमाना बदल गया मेरे ख्याल से, सब ऑनलाइन इंस्टेंटली सब हो जाता है। बिल्कुल, कहाँ और दर्जी के आ जाए, उसको मेजरमेंट्स ले, बाद में एक हफ्ते के बाद कपड़े मिलेंगे, और पहली बार तो कभी मिलते नहीं, हम जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं अभी और दो दिन के बाद आओ, तो कभी टाइम पे मिलता नहीं, तो आजकल तो पूरा चेंज हो गया, पूरा ऑनलाइन है, रेडीमेड क्लोथ्स है और रेडीमेड क्लोथ्स है। और समय दीपावली या होली का इंतजार करते थे कि कपड़े तभी मिला करते थे हमारे माँ बाप, आजकल के बच्चों के माँ बाप के देखो कितने अच्छे हैं, जब बोलते हैं तब कपड़े आ जाते हैं, ये खुद ही उठा के ले आते हैं, माँ बाप से पूछते ही की जरूरत भी नहीं है, बिल माँ बाप के ऊपर थोप देते हैं। चलिए, आजकल का जनरेशन इज अ डिफरेंट जनरेशन। और जी हाँ, बात करें आजकल की जनरेशन की, तो आ जाते हैं एक और त्यौहार चल रहा है, वो है रग्बी लीग, यानी यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो फुटी लीग का त्यौहार चल रहा है, NRL का त्यौहार चल रहा है, AFL का त्यौहार चल रहा है। तो AFL का तो फाइनल हो गया, रिचमंड ने GWS यानी ग्रेट वेस्टर्न सिडनी को हरा के अब खिताब जीत लिया है AFL का। लेकिन NRL का जो खिताब है वो अगले संडे 6 अक्टूबर को खेला जाएगा, यानी हमारी कैनबरा रेडर्स वर्सेस सिडनी रूस्टर्स। कैनबरा रेडर्स ने पिछले शुक्रवार को हरा दिया साउथ सिडनी रैबिटोज को, और जीतकर वो 25 साल बाद फाइनल्स में पहुंचे हैं, और कई सालों से नाम उनका सुना ही नहीं है, सुना नहीं है। और आपको याद है, अगर आप 89 में आप कैनबरा में थे, 90 में आए 89 में, 30 साल पहले कैनबरा रेडर्स ने प्रीमियरशिप जीती थी, और वो 24 सितंबर 1989 को, और अब जाके 30 साल बाद अब मौका मिल रहा है कि शायद कैनबरा को इस बार प्रीमियरशिप मिल जाएगी। कैनबरा रेडर्स गो, कैनबरा गो, रेडर्स गो, और हो सकता है द होल कैनबरा विल बी पेंटेड इन ग्रीन। जी हाँ, रेड नहीं होगा, ग्रीन हो जाएगा। हो सकता है जो ट्रैम चल रही वो भी ग्रीन में दिखाई दे और आपके सारे राउंड अबाउट्स भी शायद ग्रीन पे हो जाएं, और जहाँ जाएंगे क्या ग्रीनरी और बढ़ जाएगी। तो चलिए, कैनबरा को सपोर्ट करते हैं, रेडर्स को सपोर्ट करते हैं। ओके, एंड और साथ में हाँ, जैसे जगदीश जी ने कहा कि हमने तो मनाया फंताक्षरी का त्यौहार, यानी रेडियो मनपसंद का जो बर्थडे होता है, और ये भी साल में एक ही बार आता है, 13वां बर्थडे था रेडियो मनपसंद का, और फंताक्षरी के रूप में हमने इसको मनाया। और एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, जी हाँ, यहाँ पे कुछ तकनीकी खराबी हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, और फंताक्षरी के बारे में हम आज आप सबसे फीडबैक ले रहे हैं। वैसे तो पूरे हफ्ते भर हम फीडबैक लिया, और काफ़ी सारे फीडबैक आए, न्यूज़लेटर में हमने शेयर किया, फेसबुक में शेयर किया, और साथ में आज हमारे साथ एक हमारी प्यारी लिसनर्स, साथ में वो पार्टिसिपेंट भी थी, वो आज हमारे स्टूडियो में हैं, उनसे भी गपशप करेंगे। दोस्तों, आप लोग अगर फंताक्षरी के बारे में कुछ कहना चाहें, आप वहाँ गए थे, देखा था, आपने सुना था, पढ़ा था, तो आप लोग अभी आइए और फंताक्षरी के बारे में बताइए कि कैसी लगी आपको फंताक्षरी। जी हाँ, फंताक्षरी कैसी लगी, उस बारे में और भी बातें होंगी। फोटोज़ अगर आप देखना चाहें तो हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं। जी हाँ, रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे आप जाइए, facebook.com/radiomanpasand। और आज, जी हाँ, आज हम मनाएंगे हमारी प्यारी लता दीदी का जन्मदिन। कल वो 90 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पूरे किए हैं। तो एक वो तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही है, इतने सारे गाने उन्होंने लास्ट कितने 70 साल से वो गाना गा रही, 70 से भी ज़्यादा ही सालों से वो गाना गा रही है। तो एक बहुत ही मेलोडी क्वीन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यस बहुत कुछ उनको खिताब मिल चुका है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा चुका है, और कितने अवार्ड्स मिले हैं, गाने कब से गा रही हैं, निकल से आपके पैदाइश से भी पहले गा रहे हो। और मैं तो कहूँगा दुनिया में कितने अजूबे हैं, मेरे ख्याल से 7 ना। मुझे लगता है लता मंगेशकर यही एक अजूबा है, नहीं नंबर 1 अजूबा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 वही है सब मेरे लिए। अच्छा, लता मंगेशकर अजूबा है। तो दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए लता दीदी के बहुत प्यारे नंबर्स हमने लाइंड अप कर दिए हैं। आप वैसे तो सुबह से ही लाइंड अप हैं, जी अगर आप जो ऐप से सुन रहे हैं, रेडियो मनपसंद के ऐप पे सुन रहे हैं, तो सुबह 8 बजे से लता दीदी की ही बातें हो रही हैं, लता दीदी के ही गाने गाए, सब लाइंड अप हैं, और आगे भी प्रोग्राम जब 12 बजे हमारा
ٹاک بیک ختم ہوگا تب بھی ہوں گے. اگر لتا دیدی کے آپ کے کوئی پسندیدہ گیت ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بھیجتے رہیے اور ہم یہاں لائنڈ اپ کر دیں گے. ساتھ میں آج منائیں گے ہم رنبیر کپور کا برتھ ڈے. جی ہاں, کل برتھ ڈے تھا. جی ہاں, رنبیر کپور ہو گئے ہیں 37 سال کے. جی ہاں, اب تو ان کے گھر میں دھیرے تو شہنائی بجنے والی ہے. جلدی پتہ نہیں ہوگی مگر جلدی ہوگی. عالیہ بھٹ آنے والی ہیں ان کے گھر میں جلدی, لیکن مجھے لگا برتھ ڈے پہ شاید اناؤنس ہو انگیجمنٹ وغیرہ, لیکن ابھی کچھ نہیں ہوا ہے. اور کل ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کا جو برتھ ڈے منایا گیا اس میں بہت سارے ان کے دوست آئے تھے, مگر ان میں رنویر سنگھ اور دیپیکا بھی آئی تھی. او ہو ہو ہو, کنٹروورسی نہ ہو جائے. کچھ نہیں, چلیے بنا رہے ہیں جی لتا جی کا برتھ ڈے رنبیر کپور کا. اور آپ لوگ اگر جوائن کرنا چاہیں پلیز ہمیں فون کیجیے ان دا اسٹوڈیو 6287-4348, نہیں تو آپ ہمارے ایپ کے دوارا بھی اپنا ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. جی ہاں, آپ لوگ ایپ پہ بھی سن سکتے ہیں. اینڈرائڈ کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, آئی او ایس کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, نہیں تو آپ ویب سائٹ سے بھی سن سکتے ہیں radiomanpasand.com. اور اگر آپ کینبرا میں ہیں, کینبرا کے آس پاس ہیں, یاس کوئنبین گولبن تک آپ 91.1 ایف ایم پہ بھی سن رہے ہیں, تو لگے رہیے, سنتے رہیے ریڈیو من پسند پورا تڑکا لگا کے. جی ہاں, اب یہ ریڈیو من پسند ہو گیا ہے 24 گھنٹے 7 دن اب آپ کے ہاتھ میں, اب آپ کے ساتھ میں. تو چلے ہو گیا لتا دیدی کا یہ پیارا سا نمبر. یہ میں اپنی میڈم کی, میں اپنی دھرم پتنی میری شریمتی جی کو گفٹ کر رہا ہوں. یہ لتا جی کا پیارا سا گیت ہے, میں 24 گھنٹے سے یہی سنتا آ رہا ہوں, تو میں نے کہا سر چلو تو یہی گانا لگا دیتا. تو آپ کی بیٹی ہے, شرما رہی ہے. میری بیٹی آ رہی ہے, وہ پتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ممی یہی آج کل سے یہ گیت گنگنا رہی ہے. لتا دیدی کی بات ہو تو یہ پیارا سا گیت. جی ہاں میڈم جی, سن رہی ہیں آپ ہماری؟ سن رہی ہیں, آج تو سن رہی ہوں گی. فون کر کے بتائیے, وہ میرے گلے لگ جائیں گی. لگ جا. جی ہاں, جی ہاں, یہ پیارا سا گیت. لگ جا گلے کے پھر ہنسی رات ہو نہ ہو, شاید پھر سے جنوں میں ملاقات ہو نہ ہو. لگ جا گلے
जी हाँ, लग जा गले फिर ये हसीन रात हो ना हो। और फिर तो दिन चल रहा है मगर कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन शायद ये कभी मुलाकात हो ना हो। और हम लोगों की आप सबसे जो मुलाकात हुई, जी हाँ, जितने भी हमारे कैनबरा वासी थे जो फंताक्षरी में आए थे उनके साथ जो मुलाकात हुई वो ऐसी यादगार बन गई और मेगा से एक साल तक याद रहेगी। जी हाँ, बहुत हमने तो बहुत इंजॉय किया। हमने रेडियो मनपसंद का 13th बर्थडे मनाया साथ में फंताक्षरी की, जो कि मेगा से ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं होती होगी ऐसी फंताक्षरी। तो नहीं, शायद इंडिया में तो हम लोग खेलते आ रहे हैं या होती है टीवी पे भी होती थी अनु कपूर की। ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी फंताक्षरी नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया वासियों अगर आप सुन रहे हैं हमारे ऐप के द्वारा तो बताइए ऑस्ट्रेलिया में आप लोग कहाँ खेलते हैं ऐसे लार्ज स्केल पे। नहीं होती है लार्ज स्केल पे, छोटी नॉर्मल अंताक्षरी तो बहुत लोग खेलते हैं वैसे, नॉर्मल जो अपनी होती है, मगर ऐसे ऑडियो विजुअल राउंड्स या अनु कपूर जैसे राउंड्स हो, ऐसे राउंड्स में जो दिमाग लगाया जाता है। इट्स नॉट ए फंताक्षरी, इट्स अंताक्षरी प्लस बॉलीवुड ट्रिविया भी है। exactly, एक तरह का yeah. कि आपको गाना पहचानना भी है और सही गाना भी है, सही गाना है, सही गाना, मुखड़ा कभी अंतरा। तो ये बहुत सारी, तो चलिए इस बारे में बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है हमारी एक लेख श्रोता है या श्रोती हैं, वो हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं और फंताक्षरी में भाग लिया था, पहली बार आई थी फंताक्षरी में, और ये खुद ही बताएंगे अपना परिचय करेंगे। चलिए वेलकम करता हूँ पूनम कुमारी जी का। पूनम जी नमस्कार। नमस्कार, आपका रेडियो मनपसंद में स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको रेडियो पे आके? रेडियो में आपने कभी इंटरव्यू अपना? नहीं, ये पहली बार, बहुत कुछ चीजें पहली बार हो रही है मेरे साथ। अंताक्षरी में पहली बार आपने भाग लिया था? हाँ, ऐसे दोस्तों में तो बहुत खेलते हैं, दोस्तों में तो होती है, बट ऐसे इतने लार्ज स्केल में पहली बार खेला था और इट वाज लाइक रियली फन, रियली फन, या दैट्स व्हाट मैटर, वी डिडंट विन बट बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत एंजॉय किया। और उसके 3-4 दिनों के बाद सारे गाने दिमाग में घूम रहे थे, ये गाना आता था, उस समय लगता है क्यों नहीं आ रहा मुझे गाना, पता तो होता है गाना पर मुंह से निकलता नहीं है। एग्जैक्टली, और बाद में मैंने निशा को ही बताया कि वो गाना जिसमें हमने ऑलरेडी डांस परफॉर्म किया हुआ है वही गाना था जो हम गाने यही होता है, आई थिंक एग्जाम का प्रेशर होता है ना, जब लास्ट मोमेंट आपको क्वेश्चन पता है और सब कुछ पता है, लेकिन वो जो समय जो स्टम्प्ड हो जाते हैं एकदम ही पता नहीं क्या होता है। पूनम जी आप अपने बारे में बताइए कुछ, आप क्या, आप कैनबरा में कब से हैं, कितने साल हो गए? ऑस्ट्रेलिया आई मैं 2015 में जी, पहले सिडनी में थी कुछ 2 साल और उसके बाद मैं कैनबरा में थी। तो कैनबरा में जब मैं आई तो मैं आइकन वाटर में काम कर रही थी, अच्छा, जो आप सबके घरों में ओ हो पानी की सप्लाई करते, तो जल आप ही की तरफ से आ रहा था? जी आ रहा था। अभी रिसेंटली मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया है। Oh, very nice. तो आई एम एन IT consultant by profession. Oh, very nice. तो yeah, apart from that, music एक ऐसी चीज है, I don't know, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। मेरी दिन की शुरुआत ही म्यूजिक से होती है। गाना गाते गाते होती है, सुबह उठते ही गाना गाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले Spotify ऑन हो जाता है, प्लेलिस्ट ऑन हो जाता है। Spotify को अपना साइड कर दीजिए, अब रेडियो मनपसंद का ऐप आ गया। अब रेडियो मनपसंद का ऐप चलेगा 24 घंटे 7 दिन आप उठिए और आपको उसको टाइमर, रेडियो मनपसंद का सुनिए। आपको कौन से टाइप के गाने पसंद है? मुझे मैं ओल्ड रोमांटिक्स भी सुनती हूँ, किशोर कुमार के भी बहुत पसंद है गाने मुझे। हाँ, और 90s के जो कुमार सानू जी के गाने आए थे, उदित नारायण, अलका याग्निक जी, वो सारे गाने भी मुझे बहुत पसंद है। और अभी 2000 अभी न्यू में देखा जाए तो मुझे थोड़ी सॉफ्ट रोमांटिक ज्यादा पसंद है, अरिजीत सिंह है फिर, अरिजीत सिंह बिल्कुल। और इसके बाद अब डांस वांस होता है या पार्टी होता है तब तो फिर वो बुम्बा बुम वाले पंजाबी गाने चलते हैं, या गुरु रंधावा के गाने आजकल बहुत पॉपुलर है। कल ही अर्जुन आए थे, उनका बहुत बढ़िया शो था और इट वाज अ फैंटास्टिक हाउसफुल शो था, बहुत बढ़िया था, तो वो इसमें बहुत धमाल हुआ था। तो बताइए फंताक्षरी आपने खेली, पहली बार खेली, कितनी डिफरेंट थी जो आप खेलती आ रही थी, जो इंडिया में खेलती है अपने यार दोस्तों के साथ और यहाँ आके? दोस्तों के साथ जो खेलते हैं तो वो तो यही होता है कि लास्ट वर्ड से जो खत्म हुआ बस उसमें से शुरू करना है, वो चेन रिएक्शन होता रहता है, और लास्ट में ऐसा हो जाता है कि हर वर्ड से गाने खत्म हो जाते हैं तो हम वर्ड चेंज कर देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम ये करते हैं कि
चलो इस हीरो का गाना गा लो, ये पेयर का कॉम्बिनेशन का गाना गा लो, ज्यादा से ज्यादा वो होता था. बट यहाँ पे जब मैं आई तो इट वॉज रियली डिफरेंट. बहुत टफ था और बहुत पर्टिकुलर था, क्योंकि दोस्तों में जब खेलते हैं तो लिरिक्स इधर उधर हो जाते हैं, उतना फर्क नहीं पड़ता. हाँ, इसमें रिलैक्सेशन थी, बहुत सारे लेवल्स थे, लेवल हार्ड होते डिफिकल्ट होते जा रहे थे. हाँ, और बहुत सारे थे कि वो गले तक गाने थे, पता था लेकिन निकल ले रहे थे. तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो मैं फुली प्रिपेयर हो गया आऊंगी. अब मुझे पैटर्न पता चल गया. आपको मैं भरोसा नहीं, आप पूरा आपको फिर से ट्रिक कर सकती है. नेक्स्ट टाइम कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट अब कुछ आइडिया आ गया है तो अब अच्छे से प्रिपेयर होके आया जाएगा. स्टडी तो करना पड़ेगा आपको. जी हाँ, जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाली मास्टर माइंड जो है हमारी आरजे अपूर्वा, आरजे निखिल है, दोनों ने बड़ी मेहनत करके बड़े ट्रिकी क्वेश्चन रखे थे. और लेकिन वो ऐसे भी रखे थे कि सबको फुल फेयर चांस मिले. ऐसा नहीं है कि हम अपने चिट से निकाल दें और आपको वो वाला गाना गाना पड़े. तो इट वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. इट वॉज और बहुत मेहनत. और मेरे को भी सिलेबस नहीं पता था कि क्या क्वेश्चन प्रिपेयर है. हम निशा को बोलते रहते, निशा क्या चाहिए तुझे, जरा पता लगाओ, जरा पता. निशा ले, मुझे कुछ भी नहीं पता है. मैं बस शायद नेक्स्ट ईयर हम थोड़ा और थोड़ा सिंपल कर देंगे, क्योंकि लोगों को एंजॉय करने के लिए हम लोग वहां आते हैं, तो शायद इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, थोड़ा कुछ और. जगदीश जी जज थे, उनको भी कुछ नहीं पता था, खाली जज करने आए थे. इट वॉज ऑल डन बाय अपूर्वा एंड निखिल. बहुत बढ़िया था. और सिलेबस आपको पता लग गया तो आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके आएंगे. तो लेकिन हम अगली बार हो सकता है सिलेबस ही बदल दें जिससे कि पता ना चले. थैंक यू पूनम जी, अच्छा लगा. और आप तो खिलाड़ी टीम में थी, और खिलाड़ी के टीम का जो एक जो गाना मेरे भी दिमाग में तब से एक हफ्ते से घूम रहा है, वो है चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता लीजिए. और मंडे को मैंने आपकी टीम की जो खिलाड़ी टीम की थी, निशा से बात हुई थी, आदि से बात हुई थी, रीबा जी का, रीबा जी आप सुन रही हैं, रीबा अदनान जो आपकी टीम में थी, उनका भी मैसेज आया था कि वो एक साल तक उनको हॉन्ट करता रहेगा. बोले कि हम सबको हॉन्ट करता रहेगा, कि लिरिक्स आधा था क्यों नहीं हम बोल पाए. बार बार आपकी जो टीम की निशा थी वो तो दूसरा गाना लगा ली, ढिंचे ढिंचे करने लगी थी. तो लेकिन अब आपको लिरिक्स आता है, अब आप गाना गाएंगी, गाना चाहेंगी. मैं आपको स्टम्प्ट कर रहा हूँ. आपका समय शुरू होता है 10 सेकंड में. मुझे क्या मिलेगा सबसे पहले ये बताइए. आपको रेडियो मनपसंद पे आने का मौका मिला. अच्छा, इससे ये बड़ा तो मौका. बड़ी बात है. एंड यू आर लाइव, और फेसबुक पे भी चली जाएंगी. आपको इतना हम आपको दे रहे हैं, और साथ में यूट्यूब पे भी आप आ जाएंगी. ओके, 24 घंटे सातों दिन आपको दुनिया में आप लोग सुन रहे हैं. आपको क्या बात, इससे है? और क्या चाहिए, इससे और चाहिए? बहुत कुछ मिल गया. तो आई थिंक नॉट श्योर, बट हमने इसी गाने पे डांस किया था, तो शायद मुझे थोड़े बहुत लिरिक्स याद हैं. चलिए, तो अपने टीम की आत्मा को शांत करने के लिए सबके सब तड़प रहे थे कि हम ये गाना क्यों नहीं गा पाए. और आपकी टीम की निशा है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो और रीबा भी सुन रही हैं. हम सबके दिमाग में वो गाना इस कदर घूम रहा था कि हमें आता था, हम गा सकते थे, हम जीत सकते थे. चलिए हो जाए जी. 1 2 3 4 दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी, सब खेल जाने उल्टा उल्टा लिरिक्स यही गड़बड़. दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी, सिमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं बताऊं क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता. जी हां दोस्तों, आप लगे हुए हैं रेडियो मनपसंद पे. जी हां, ये कार्यक्रम पेश होता है 24 घंटे सातो दिन. अब आपके हाथ में, आपके साथ में. आपने डाउनलोड नहीं किया है ऐप तो प्लीज गो एंड डाउनलोड योर ऐप. एंड्रॉइड ऐप या आपके iOS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, iPad में डाउनलोड कर सकते हैं, iPhone में, और जो भी आप एंड्रॉइड फोन आपके पास है, जहां आप 24 घंटे सातों दिन सुन सकते हैं. ये कार्यक्रम पेश होता है संडे को 10 से 12 बजे हम आ गए हैं लाइव शो करने के लिए. साथ में मंडे टू फ्राइडे भी आप सुन सकते हैं 10 बजे से 11 बजे तक. जी मैं आ जाता हूं एवरी वीकडे 10 से 11 बजे आपसे बात करने के लिए. आपकी कोई फरमाइश है हो आप अपने ऐप के द्वारा भी भेज सकते हैं. और बोलते बोलते देखिए फरमाइश भी आ गई. संजीत वाजपेयी सुन रहे हैं. संजीत जी नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग. और आपकी पुरानी कुलीग जी हाँ पूनम जी यहाँ बैठी हुई बता रहे हैं, संजीत वाजपेयी तो उनके पुराने कुलीग रह चुके हैं. उन्होंने कहा है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ए सॉन्ग ऐप के द्वारा. जी हाँ, जब तुम साथ हो अपने दुनिया को दिखा देंगे. बहुत बढ़िया. और ये मूवी थी जगदीश जी कालिया. जी हाँ, चलिए वो सुनेंगे. और आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए. और हम मना रहे हैं लता जी का बर्थडे, साथ में रणबीर कपूर का बर्थडे. रणबीर कपूर हो गए हैं 37 साल के. तो ये प्यारा सा गीत
जो रणबीर कपूर की सबसे फर्स्ट मूवी थी, अब आप बताइए कौन सी मूवी थी? ये भी बॉलीवुड ट्रिविया है, ये आपको ट्रिविया है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके जनरेशन का रणबीर कपूर है। मुझे वो सांवरिया। किसको याद नहीं होगा वो तौलिया वाला सॉन्ग, जब रणबीर कपूर ने वो तौलिया उतार दिया था। तो उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि संजय लीला भंसाली ने वो जो शॉट था वो रियलिस्टिक बनाने के लिए कुछ 45-50 रिटेक्स लिए थे। अच्छा, क्योंकि उनको वैसे ही टॉयल एक जिस तरीके से गिरना चाहिए था उसे गिर नहीं रहा था। मुझे तो संजय लीला भंसाली पे कुछ डाउट लग रहा है। उन्होंने कुछ 50 रिटेक्स किए उस शॉट के। मुझे लगा फीमेल डायरेक्टर होती तो शायद 10 बार क्या 50 बार गिरवाती। रणबीर कपूर का कहना है कि वो परफेक्शनिस्ट है, कि बस ये शॉट इसी तरह से होना चाहिए, बस तब तक बहुत बड़ी शांति से नहीं बैठेंगे। चलिए सांवरिया को बुला लेते हैं अपने रेडियो मनपसंद में। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, 24 घंटे सात तो दिन एफएम 91.1 पर भी। और बस कोई फरमाइश हो लता जी का या रणबीर कपूर का तो आप हमें भेज सकते हैं ऐप के द्वारा, नहीं तो फोन कीजिए स्टूडियो में 6287-4348। हम फंताक्षरी के फीडबैक भी ले रहे हैं और काफी सारे लिसनर्स हमारे लाइंड अप हैं टू टॉक अबाउट फंताक्षरी। हमारे साथ पूनम जी भी जुड़ी हुई हैं, आप भी जुड़ सकते हैं लाइव ऑन रेडियो मनपसंद। लगे रहिए, सुनते रहिए, ये आया सांवरिया। बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा सांवरिया। सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया ओ सांवरिया। ओ सांवरिया, ए सांवरिया, ओ सांवरिया। शामियाने में ख्वाबों के हर ठिकाने में तेरी ही परछाइयां हैं, तू तो हर लम्हा यादों में है, तेरी खामोश पहली नजर का दीवाना बनता सांवरिया। सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा सांवरिया। I wanna be your date tonight सांवरिया, you wanna be my princess सांवरिया, I wanna be your love सांवरिया। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। हेलो ऑस्ट्रेलिया, दिस इज रणबीर कपूर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनपसंद। के जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना जाने ना। जी हाँ, बदतमीज दिल माने ना। और रणबीर कपूर का भी दिल नहीं मान रहा है, वो आ गए थे रेडियो मनपसंद में बोलने के लिए। आप लोग भी लगे, वो तो लगे हुए हैं रेडियो मनपसंद सुन रहे हैं, आप क्यों नहीं लगे हुए हैं? जी हाँ, लगे रहिए, सुनते रहिए 24 घंटे सातों दिन। और हमारे साथ लाइन पे मौजूद है हमारी प्यारी आरजे अपूर्वा। आरजे जी,
अपूर्वा जी, आरजी जी, आपको याद किया और आप हाजिर हो गई। जी हाँ, तो आपको गाने में बोलना चाहिए था, तेरा नाम लिया। फंताक्षरी का भूत अभी उतरा नहीं है, अभी तक उतरा नहीं है, मुझे नहीं लगता अगले एक साल तक उतरेगा किसी के भी सर से। अब आप सारे जितने भी अंताक्षरी के पार्टिसिपेंट्स से लिसनर से आप बोल रहे हैं कि लिरिक्स अच्छा गई आप, तेरा नाम लिया तुझे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मुझे लगता है उस रात में सबके सपने में आई होंगी, भूत बहुत है, बहुत ज्यादा आई है, बहुत मैं कहना चाहूंगी पहले तो सारे श्रोताओं को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी आज से नवरात्रि, धन्यवाद, आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, इसलिए आप आज स्टूडियो में नहीं है। जी हाँ जी हाँ, पूजा चल रही है। जी हाँ, और कन्या पूजा वगैरह आज है तो इसलिए फिर आज स्टूडियो में नहीं आ सकते, लेकिन फोन पर, इसलिए मैंने सोचा कि फोन पर सबको हम विश करें। और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया फंताक्षरी को, और मुझे लगता है कि वो तो सब ठीक है कि हम मेहनत करते हैं और हम ये कार्यक्रम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सारे पार्टिसिपेंट्स का जो जोश होता है और जिस एंथुजियाज्म के साथ वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, शायद उस वजह से चार चांद लगते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल। हम अगर अंताक्षरी लेके आ जाओ, कोई पार्टिसिपेट ना करे या इंटरेस्टेड ना हो तो मजा भी नहीं आएगा। और कई लोगों ने तो कहा कि आप लोग बरस में एक बार ही क्यों करते हो, छह महीने के बाद भी करिए। मुझे याद है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन वो एक सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद आए और कहने लगे कि अरे ये साल में दो बार होना चाहिए, ये एक बार जो बहुत सीरियस थे, और कहते हैं हम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं। और वो इतना सीरियसली कह रहे थे, तो बिल्कुल मतलब इससे पता चलता है कि लोग शायद इतना ज्यादा उसको सीरियसली लेके प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। बिल्कुल, जीतने की जो चाह है वो हमारे भारतीय खून में है, सेकंड थर्ड कोई नहीं आना चाहता, सब फर्स्ट ही आना चाहते। और मुझे लेकिन कुछ चीजें, हाँ अपूर्वा, उस बात पे मेरे को आपको सजेशन देना है कि आप कोचिंग क्लास खोलो फंताक्षरी की। मैं वही कह रही थी, मुझे लगता है पूरा साल भर जैसे बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी, बोर्ड एग्जाम्स के, और अंत में जाके आईआईटी की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो मुझे लगता है उसी तरीके से हर संडे दो घंटे आपसे मुखड़े और अंतरे रट लिए जाएंगे। और आपको फिर सिलेबस धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा कि क्या प्रश्न आ रहा है, तो वहाँ एक क्लासवर्क दीजिए और चार होमवर्क दीजिए, घर से करके आओ और उसका सही जवाब दो, तब आप अंताक्षरी में भाग ले सकते हो। चलिए, आप बताइए, आप पहले ये बताइए, श्रोता जो पूछ रहे हैं कि इतनी मेहनत आप दोनों करते हैं, आप और आपके जो धर्मपति हैं निखिल बाबू, वो आप दोनों इतनी मेहनत करते हैं, कितना समय लगता है उसको तैयार करने में, और कैसे उसको, मतलब मास्टरमाइंड आपके दिमाग में कैसे कैसे वो प्रश्न कैसे आते हैं, मतलब ये इस बारे में आप खुलासा कीजिए, आज हो जाए। अब होता ऐसे, जैसे हमने मनीष जी जुलाई में हमने डिसाइड किया कि अब अंताक्षरी करते हैं इस साल भी। जी हाँ, तो जब हमने डेट लॉक इन की तो जुलाई से लेके सितंबर तक 2 महीने की प्रेपरेशन आराम से लग गई है इसमें। क्योंकि प्रेपरेशन में ऐसे होता है कि एक तो गाने सॉर्ट करने हैं सारे 60s, 70s के, 80s, 90s के, बिल्कुल, और फिर लास्ट टाइम भी जो रिपीट किए थे वो गाने नहीं रिपीट करने हैं, तो वो सारा सॉर्टिंग करके लिटरली ऑफिस में काम करते वक्त मैं एक साइड पे यूट्यूब होता है और एक नोट पैड में मैं सारे गाने नोट डाउन करती हूँ। आपकी प्रोडक्टिविटी लो तो नहीं हो जाती इस जगह? नहीं, मुझे लगता तो नहीं, अब तक तो कुछ ऐसे सुना नहीं है, शायद यस, नो न्यूज इज गुड न्यूज। और उसके बाद सारा एक मास्टर कॉपी बना के सारे गानों का, उसके बाद उसको राउंड्स में डिवाइड करके, और सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है जो वो असली नकली वाला राउंड है कि ऑडियो और वीडियो अलग अलग है और उसको चेंज किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है बहुत। लेकिन जो सुपर इम्पोज होता है एकदम, वो तो मैं आपका फैन हो गया हूँ, वो कोई नहीं कर सकता। टेक्निकल स्किल जो आपके पास है आप शेयर भी मत कीजिएगा, पेटेंट करा लीजिए। तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स लाइफ कम्स इन द वे, सो बच्ची है छोटी, जॉब है, सही बात, घर है, तो वो सब चीजें करके, बट आई थिंक इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5-2 months तब लग जाता है। एंड देन वो जो पावर पॉइंट है उसमें बहुत सारी, जैसे मैंने तभी भी शेयर किया था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें अलग अलग हाइपर लिंक होते हैं, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू बी एज अनबायस्ड एज वी कैन, तो हम लोगों को मौका देते हैं कि आप चूज करिए आपको कौन सा
गाना चाहिए, नंबर उठाइए, और फिर वो नंबर के पीछे एक गाना छुपा है. Right. तो उस तरीके से फिर वो सब करके आई थिंक लास्ट का वन वीक तो ट्रायल में चले जाता है. कभी कभी ट्रायल एंड एरर में फिर पता चलता है अरे ये गाना गलत बज रहा है, ये गाना तो रिपीट हो रहा है. तो आई थिंक बट जब वहां पे आके पूरा प्रोग्राम होता है तो वहां लिटरली इट्स आपके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक आया कि यू आर ए वंडरफुल प्रेजेंटर, वंडरफुल टीचर एंड ए प्रिंसिपल. डांट के भी रखती है लोगों को. लोगों के पसीने भी छूट रहे थे कि अगर कुछ मुझे याद है वहाँ पे बहुत आवाज कर रहे थे सब, और जब रूल्स की स्लाइड खुलती थी तो इवन बिफोर आई कुड टेल देम द रूल्स वो लोग पढ़ने लग जाते थे और फिर बात करने लग जाते थे. तो एक बार तो मैंने डांट लगा दी सबको. मैंने कहा ठीक है अब सबने पढ़ लिए रूल्स तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. और आपको आपका जो तरीका है खामोश करने का, शायद पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी. तो वो लग रहा है आई थिंक आपकी बेटी पे आएगा, आपने बेटी से सीखा होगा या बेटी को बोल बोल के आपने आदत पड़ गई. ईशानवी घर पे प्रैक्टिस कर करके वहां पे आ रहा है. ईशानवी जब बड़ी होगी तो बताएंगे कि मम्मी ने किस किस को डांट लगाई है. नहीं बहुत बढ़िया था, इट वॉज ए फन वे में था और सबने एकदम पॉजिटिवली लिया, स्पोर्टिंग स्पिरिट में लिया. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे प्रोग्राम होने के बाद मनीष जी हम भी बात करते हैं और डैड और हम भी जब बात करते हैं तो यही आता है कि अगली बार आप क्या क्या कर सकते हैं. सही बात. तो इट इज ऑल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस, क्योंकि हम हर साल हम दो या तीन नए राउंड लेके आते हैं. क्योंकि लोगों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अरे ये पिछले साल का सेम अब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी टीम तीन सालों से आ रही है, सेम टीम बहुत सारे आ रहे हैं. सरप्राइजेस होने चाहिए. एवरी ईयर वी ट्राई कि कुछ नया राउंड हम लेके आते हैं. तो ऑफकोर्स सम राउंड गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स, सम राउंड हमें लगता है कि शायद ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गए. सही बात. तो आई थिंक उस तरीके से इवन वी आर लर्निंग एंड वी आर गोइंग अहेड विद द फीडबैक. सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर विल कम बैक विद अ बैंग अगेन. ठीक है. Wonderful. Thank you, Apurva. Thank you, Nikhil. Nikhil को भी हमारा बहुत सारा बधाई और शुभकामनाएं. इतना बढ़िया फंताक्षरी का वो हैंडल करना भी आसान नहीं है, टेक्निकल इतने. क्योंकि एक भी स्लाइड इधर उधर हो गई तो सब रिवील हो जाएगा क्वेश्चन पेपर. और अपूर्वा वहां से इशारा करती है तो निखिल को बराबर समझ जाते कि कहां बटन दबाना है. वो तो घर में भी ऐसे ही होता होगा, अपूर्वा ने इशारा कर दिया तो. एंड जो सपोर्ट इसीलिए निखिल हमेशा टेक्निकल पे रहते हैं क्योंकि हमारा ट्यूनिंग उस तरीके से है कि इवन इफ आई जस्ट लुक एट हिम और ही लुक एट मी तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा अब कुछ गड़बड़ है या नहीं है या क्या हो रहा है. सो आई थिंक दैट्स व्हाई माय बेटर हाफ वेयर आई थिंक वो बहुत अच्छा तड़का लगता है वहां पे. आपका बेटर हाफ बहुत ज्यादा बेटर होता जा रहा है. थैंक यू वेरी मच मनीष जी. थैंक यू निखिल. तो प्रोग्राम वाज वेरी वेल डन, काफी बढ़िया था. और जगदीश जी और सब लोगों के साथ मैंने भी काफी एंजॉय किया था. और होपफुली जैसे अपूर्वा ने कहा नेक्स्ट ईयर विल बी बैक विद अ बैंग एंड लॉन्ग लिव रेडियो मनपसंद एंड लॉन्ग लिव बिल्कुल. मनीष जी जस्ट द लास्ट थिंग आई थिंक आप मुझे और निखिल को क्रेडिट दे रहे हैं बट ये एक बहुत बढ़िया टीम एफर्ट है क्योंकि आपने भी वहां पे सारा लॉजिस्टिक्स देखना, सब कुछ अरेंज करना, सारी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन, पंकज जी जिन्होंने सब साउंड सिस्टम और सारा अरेंजमेंट किया, दोनों जजेस जगदीश जी पल्लव जी बिल्कुल, बिल्कुल. और सारे हमारे वॉलंटियर्स जो वहाँ पे स्कोरबोर्ड देख रहे थे, लवीना अनूप दिव्या एवरीवन, आई थिंक इट्स अ जॉइंट एफर्ट. एब्सोल्युटली. सो थैंक्स टू एवरीवन. सबने एंजॉय किया, वही हमारा मकसद था. फंताक्षर जब तक खुद मिलके नहीं काम करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा. और टीम्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, नई टीम्स आई थी वो भी एकदम खूब एंजॉय किया. थैंक यू अपूर्वा. अब आप लग जाइए, आप दोनों वापस जाइए, फिर से होमवर्क शुरू करिए और अगले साल की तैयारियां लग जाए. मैं कोचिंग क्लासेस खोलने की तैयारी. एंड वी विल एडवर्टाइज ऑन रेडियो मनपसंद. ठीक है दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए. जय बाबा एंड हैप्पी नवरात्रि. जी हाँ, ये थे निखिल एंड अपूर्वा जो बात कर रहे थे फंताक्षरी के बारे में. जी हाँ, और आप लोग को भी कोई इस पर फीडबैक देना है तो प्लीज़ आ जाइए हमारे साथ बात करने के लिए. 6287-4348 हमारा स्टूडियो का नंबर है, नहीं तो आप ऐप के द्वारा भी अपने फीडबैक दे सकते हैं. ईमेल हमारा है तड़का
tadka@radiomanpasand.com tadka@radiomanpasand.com और बस एक फरमाइश आई है जी हाँ संजीत भाई आप सुन रहे हैं आपकी ये फरमाइश लाइंड अप है लेकिन ये लता जी की आवाज़ में नहीं है अब अनफॉर्चुनेटली लेकिन ये खैर उनकी बहन की आवाज़ में आशा जी की आवाज़ में है जी हाँ तुम साथ हो जपने और हम भी यही कहेंगे आप हमारे साथ हैं तो दुनिया को हम दिखा देंगे कि रेडियो मनपसंद हम पूरी दुनिया को सुना देंगे लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद आशा जी का बर्थडे 8 सितंबर को था तो ठीक है ये महीना तो वही है हाँ 8 को आता है और ये ज्यादा दूर नहीं दोनों ही सितंबर बॉर्न चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं तुम साथ हो अपने दुनिया को दिखा देंगे फ्रॉम द मूवी खालिया 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 लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन अब आपके हाथ में आपके साथ में तुम साथ हो अपने दुनिया को दिखा देंगे और हम ये गीत तो था फ्रॉम मूवी खालिया 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 किसने क्या क्या खालिया क्या खालिया खाने का समय आ रहा है जी हाँ नवरात्रे आ गई हैं आप सभी को नवरात्रे की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं नवरात्रे शुरू हो चुके हैं आज और ये 8 अक्टूबर तक चलेंगे तो जी हाँ विजयदशमी का पावन पर्व 8 अक्टूबर को है और आप जा सकते हैं फ्लोरी टेम्पल वहाँ जाके आप भाग ले सकते हैं नवरात्रे का प्रोग्राम चल रहा है मौसन मंदिर में भी नवरात्रे का रोज शाम को कार्यक्रम है और साथ में दोनों ही मंदिर में रावण दहन होगा 8 अक्टूबर को यानी विजयदशमी का चलिए बात करते करते हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे फंताक्षरी के एक और पार्टिसिपेंट रितेश भाई रितेश जी नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप बहुत बढ़िया वेलकम टू रेडियो मनपसंद आपका अभिनंदन स्वागत है रेडियो मनपसंद में शायद आप पहली बार फोन कर रहे हैं या बात हो रही है आपसे रेडियो मनपसंद पे लाइव पहली बार हो रही है लेकिन आप फंताक्षरी में पहली बार नहीं आए थे आप दूसरी बार भी आए थे पिछले साल आए थे इस समय जीत गए जी पिछली बार बहुत मजा आया था तो इस बार आई वाज क्वाइट एक्साइटेड एनीवे टू पार्टिसिपेट जैसे पता चला टीम ढूंढनी शुरू की
हाँ। और फिर आपने देखा आधी टीम तो मेरी फैमिली की थी। और आपने आपने आउटसोर्स किया था, इंडिया से भी पार्टिसिपेंट बुलाए हुए थे आपके मतलब फादर थे। नहीं बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो पिछले साल आप आए थे, आपको सिलेबस पता था, इस साल आए थे तो सिलेबस चेंज हुआ थोड़ा सा, प्रश्न सरप्राइजेस थे क्या या कुछ शॉक लगा आपको? क्या क्या चेंजेस, आप कैसा लगा पिछले बार से या जनरल कैसा अच्छा लगा? आई थिंक जनरली आप लोगों ने काफी थॉटफुली ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि यू डोंट वांट टू रिपीट समथिंग ना, तो आप आई थिंक यू मेड श्योर दैट देयर वाज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट केप्ट एवरीबॉडी इंटरेस्टेड, राइट? और क्वेश्चंस भी मुझे लगा कि काफी चैलेंजिंग भी थे कि इंटरेस्ट बना रहे और इतने डिफिकल्ट भी नहीं था कि लोग बोर हो जाए, तो आई थिंक यू डिड प्रीटी वेल। चलिए थैंक यू। और आपका टीम का नाम था शहंशाह, आई थिंक फोर्थ आए थे, थर्ड आए थे, थर्ड आए थे, थर्ड आए थे, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। मतलब और लास्ट ईयर शायद सेकंड टाई में कोई फंस गए थे, तो टाई में या सेकंड या थर्ड आए थे, लास्ट टाइम भी शायद थर्ड ही आए थे। लास्ट टाइम आपका एक राउंड था जिसमें 50-0 था, उसमें हम लोग एलिमिनेट हो गए थे। हाँ, इस बार अपूर्वा ने थोड़ा लीनियंसी रखा था कि हाँ पिछली बार या तो 0 था या 50 था। लेकिन अपूर्वा एक और फीडबैक आया था कि जो मेरे पास, मैं अभी याद आया कि वो ये कह रहे थे कि अगर आप जैसे कोई राउंड करते हैं तो आपका होते हैं पॉइंट्स 20 या 0, तो वो ये ऐसा करना चाहिए कि जैसे जैसे इन्हीं का, जैसे मैं चिंताता पे फिर से आ जाता हूँ, आपने ढिंक चिकर रखा था सॉन्ग और चिंताता का वो वीडियो था, गाना उन्होंने पहचान लिया, तो उसके कम से कम कुछ पॉइंट्स मिलने चाहिए, चाहिए। तो वही हम कुछ सोच रहे हैं, 2 पॉइंट 1 पॉइंट, उससे क्या है कि मार्क में डिफरेंसेस फिर बनने शुरू हो जाएंगे, लास्ट में जाके टाई राउंड नहीं होगा। तो अगले साल हम कुछ चेंजेस करेंगे थोड़ा। जगदीश जी आप जज हैं, आप नहीं कुछ चेंज कर सकते, आप खाली बस, आप आगे खाली बस अपना हैमर लगाइए, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेरी बात सुनो, सही जवाब, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज, आपकी आवाज कोई सुनी ना, आप तो खाली ऑर्डर। इस बार जजेस का ज्यादा रोल नहीं था, लास्ट ईयर बहुत रोल था क्योंकि लास्ट टाइम काफी कॉन्ट्रोवर्सी, और इस बार अपूर्वा ने लीनियंसी ये रखी थी कि 3 आपने वर्ड्स अगर गड़बड़ गाए तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, फिर बाद में 2, फिर 1, लास्ट में जाके 1 वर्ड भी गड़बड़ गया तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। वो पिछली बार हम उसी में रह गए थे, एक वर्ड गलत गया था तो आपको 50 पॉइंट सीधे एकदम ड्रॉप हो गए थे। अगले साल डेफिनेटली हम कुछ रिलैक्स करेंगे, बहुत चेंजेस करेंगे। हाँ, रिलैक्स का मतलब नहीं है कि एकदम ही रिलैक्स कर दे, बैलेंस रखेंगे, नहीं नहीं कहते हाँ मतलब वही है, पीपल शुड एंजॉय, पीपल एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू, आई थिंक द लेवल काफी अच्छी तरह से पिछला राइट लेवल पे था, एंजॉय काफी किया। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस टेंस तो हो जाता है, स्ट्रेस भी होता है, होना भी चाहिए, हो जाए मजा, मजा नहीं आएगा वो तो है ही, छोटा सा वही तो है, यही तो कंपेटिटिवनेस होना चाहिए। वो लोगों के चेहरे में देखता हूँ ना कि गाना आ रहा है और मुंह से नहीं आ रहा है, और जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो देख के मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं तो जज हूँ, मुझे कुछ चिंता नहीं है। रितेश भाई, आपके डैडी को पसंद आया, अच्छा लगा वो पहले? बहुत मजा आया, मैं तो पूरी फैमिली लेके आया था, उसके माता पिता बीबी बच्चे सब थे। बहुत बढ़िया, और आपके 2 बेटियां भी इन्वॉल्व थी, दोनों बच्चियां काफी, आई मीन आई थिंक जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया था थोड़ा काफी थॉटफुली किया था, क्योंकि उनके लिए कुछ एक्टिविटी बुक भी ऑर्गेनाइज की थी, तो वो भी अपनी बिजी थी उसमें, कभी बीच में आके हमसे बात कर लेती थी, तो इट वाज वेरी वेल डन, वेरी नाइस। चलिए अब अगले साल आप आएंगे वापस, ब्रिंग योर टीम, सेम टीम या डिफरेंट टीम, या कुछ टीम में बदलाव ले रहेंगे क्रिकेट टीम की तरह? तो पता नहीं उस टाइम पे रहेंगे कि नहीं, साथ में हमारे यहाँ पे कैनबरा में, तो देखते हैं। हाँ, आपका सिलेक्शन सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी हो रही होगी अगले साल के लिए। क्रिकेट में जैसे होती है, किसको ड्रॉप किया जाए, किसको रखा जाए, क्योंकि अगले साल का विल बी धमाका, इट विल बी ए 2020 अंताक्षरी, 2020 जी हाँ, ये 2020 हो गया और फोर्थ हमारी अंताक्षरी होगी, लेकिन हम उसको और थोड़ा धमाका करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच रितेश भाई, थैंक्स फॉर कॉलिंग, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग, ऐसे लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन, और साथ में फंताक्षरी की तैयारी अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे सुबह उठ के एक एक दो दो वीडियोस आप देखा करिए, नहीं तो हमारा रेडियो ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और गाने लगाते रहिए, आपको लिरिक्स अपने आप याद आ जाएंगे, आजकल तो 24 आवर्स चल लगा ही देता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लगे रहिए, बाय बाय जी। ये
चाहिए थे रितेश भाई, आपको भी अगर कोई बात करनी हो फंताक्षरी के बारे में या जनरली कोई भी बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं, चल रही हैं, आप इसको निकाल दीजिए, हमसे बात कीजिए लाइव। स्टूडियो का नंबर है 6287-4348। जी हाँ, अगर आप कैनबरा के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 02 लगाना मत भूलिएगा, 02-6287-4348। अगर आप दुनिया के किसी कोने से बात करना चाहते हैं तो उसके आगे +61 लगा दीजिए। जी हाँ, +61-2-6287-4348। नहीं तो ऐप, जी हाँ, रेडियो मनपसंद ऐप के द्वारा अगर आप सुन रहे हैं तो वहाँ से भी हमारा फीडबैक बटन है, मेन्यू बार है ऑन द लेफ्ट टॉप हैंड कॉर्नर पे, मेन्यू बार ड्रॉप डाउन करेंगे तो वहाँ से आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं, कोई भी फरमाइशें भी वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप FM 91.1 पे सुन रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डाउनलोड द रेडियो मनपसंद ऐप 24/7, क्योंकि उससे लिसनिंग एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाता है और आपके हाथ में, आपके साथ में कहीं भी ले जा सकते हैं, वर्क में ले जा सकते हैं, गाड़ी में है ऑन कर दीजिए, आजकल तो ब्लूटूथ का ज़माना है, वह गाड़ी में चल चलते ही ब्लूटूथ ऑन कीजिए, गाड़ी में आपके गाने शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले लिस्ट इज़ फैंटास्टिक, पुराने गाने हैं, नए गाने हैं, 70s 80s वगैरह के गाने आप सुबह सुन सकते हैं, और मंडे टू फ्राइडे 10 से 11 मैं आ जाता हूं आपसे गपशप करने के लिए लाइव, जी हां एब्सोल्युटली लाइव, और उसका रिपीट प्रोग्राम आप शाम को 4 से 5 सुन सकते हैं। अगर आप नए गाने के शौकीन हैं तो शाम को आप 5 से 8 सुन सकते हैं, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू सॉन्ग्स, जी हां, और वो गाने एकदम लाइंड अप होते हैं, और भी बहुत सारा मसाला है। और अगर आप धार्मिक गाने या आस्था रखते हैं धर्म में, तो धर्म में आस्था तो आपको भजन सुनने हैं, तो सुबह आप उठते हैं जल्दी, जी हाँ, मैं तो नहीं उठता हूँ सुबह जल्दी, मैं तो लाइंड अप कर देता हूँ गाने, आप सो जाते हैं, मैं सो जाता हूँ, लेकिन 5 से 8 बहुत लोग सुनते हैं और कहते हैं भजन बड़े अच्छे लगते हैं, तो 5 से 8 सुबह भजन के कार्यक्रम होते हैं, तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन। हम मना रहे हैं लता जी का प्यारा वाला बर्थडे, प्यारा क्या, 90th बर्थडे, 90 साल की हो गई, हम तो चाहेंगे कि उनकी भगवान करे उनको दीर्घायु दे, ऐसी वो गाती रहें, मुस्कुराती रहें। और आजकल एल्बम जगदीश जी कुछ रेयरली आता है, कोई कोई कभी कुछ मराठी गाने गाती है, बट वेरी रेयरली, बहुत 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 कम कर दिया है आई थिंक। आप अभी तक कोई मेरे ख्याल से इस साल कोई गाना उनका रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन शायद हो सकता है कुछ अगले साल तैयारी करें, तो लगे रही सुनते रहिए। और बना रहे हैं जी हाँ रणबीर कपूर, जी हाँ आपको भूले नहीं है, रणबीर कपूर भी हैं, आपका बर्थडे भी कल था लेकिन आज हम बना रहे हैं, और लगे रहिए सुनते रहिए ये प्यारे गीत, हमारी प्यारी जो लिसनर है एनजी उनकी फरमाइश पे है, और ये हमेशा वो जब भी अजीब दास्ता है, अजीब दास्ता, और ये गीत इज वन ऑफ आर फेवरेट ऑफ लता जी, बहुत ही फेवरेट गाना है, जितना जितना लग जा गले है उतना ही अजीब दास्ता है, एवरग्रीन सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग, जितना भी सुना जाए, मीना कुमारी पे फिल्माया गया है, और ये हमारी प्यारी आरजे कल्पना जी के लिए भी डेडिकेटेड है, जिनके नाम पर हम ये फंताक्षरी करते हैं, ये ट्रॉफी लेकर गए, जी हाँ ट्रॉफी लेने वाले थे हमारे बाहुबली टीम, और आरजे कल्पना जी को भी याद कर रहे हैं क्योंकि लता जी की वो भी बहुत बड़ी फैन थी, तो ये प्यारा गीत एनजी आप सुन रही हैं, एनजी सुनती हैं हमेशा और कहती हैं कि ये गीत आप हमेशा अपने प्रोग्राम में लगा दिया करिए, आज उनकी फरमाइश, बहुत दिनों से फोन आया नहीं है उनका, मगर नहीं आज लास्ट टाइम मेरे को मिली थी एक रेस्टोरेंट में मिली थी, वो कह रही थी कि शी इज नॉट कीपिंग वेल, लेकिन बोला कि प्रोग्राम वो हमेशा सुनती है, बोला आपको जब मौका मिले तो ये गीत बस एनजी के लिए, एनजी आपको भी हम यही कहेंगे, आपको शुभकामनाएं, और आप यू लुक आफ्टर योर सेल्फ, कीप हेल्दी वेल्दी, और बस लगे रहिए सुनते रहिए।
सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के ये प्रोग्राम जी हाँ पेश होता है एफएम 91.1 पे, कैनबरा के रेडियो स्टेशन पे, कम्युनिटी रेडियो पे। इसको हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने एसीटी ऑफिस ऑफ मल्टीकल्चरल अफेयर्स कैनबरा ब्रॉडकास्टिंग, कैनबरा मल्टीकल्चरल स्टेशन जो सीएमएस एफएम 91.1 है, और साथ में कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को, जिनके सपोर्ट सहयोग सहायता की वजह से ये प्रोग्राम पेश होता है। लेकिन ये अभी आपका रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7/3 हो गया। आप डाउनलोड द ऐप और इसके साथ आप जोड़ सकते हैं 24 घंटे 7/3। और ये जी हाँ फरमाइश की जो की थी वो हमारे जो गीत जी हाँ ललिता सिंह जी ने की थी, और ललिता जी गायब हैं, स्टूडियो में आने वाली थी और आई नहीं है, और लेकिन ऑन एयर बात करने के लिए वो अब टेलीफोन पर मौजूद हैं। नमस्कार ललिता जी। हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मनपसंद का गाना लगाया। आप यहाँ आने वाली थी या क्या? आप यहाँ आने वाली थी, आपने पूरी प्लेलिस्ट दी थी कि ये फरमाइशी गीत मेरे लगा दीजिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरी फरमाइश के सब गाने आप लगा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो मेनली मैंने ये कहना था कि वो जो आपने डाले ना फोटोज वगैरह जो डाले और वीडियोस वगैरह डाले उसके ऊपर, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। मेरा तो स्टार बन गया, मेरा फोटो है जिसमें मैंने वो पकड़ा है, प्राइज पकड़ा हुआ है। अच्छा, तो उनको लगा मुझे प्राइज मिला, तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे प्राइज नहीं मिला है। आपने नहीं, बहुत लोगों ने नोटिस किया कि ललिता जी कौन सी टीम की थी जिनको पूरा हैम्पर दे दिया है। मैंने कहा आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे बहुत सम्मान दिया और आदर दिया कि मैं जो टीम थर्ड आई थी उनको मैं प्राइज हैंड ओवर करूँ। आई थिंक दैट वॉज वेरी नाइस। आपने हैंड ओवर किया या अपने घर ले गई? वो तो वीडियो में हो, आया होगा, फोटो में तो ऐसा लग रहा है लेके आप जा रही हैं। आपको हमने ऐसे गेस्ट बुलाया था लोगों को देने के लिए, आपने खुद ही पकड़ लिया? नहीं नहीं खुद पकड़ लिया, मुझे उन्होंने पकड़ाया। अच्छा, फोटो खिंचवाने के लिए निखिल जी ने मुझे पकड़ाया और बोला आप दे दीजिए। अच्छा। फिर उन्होंने खुद कहा कि नहीं नहीं आप अकेले नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो बहुत भारी है, तो मेरे हाथ से गिर ना जाए ना। तो निखिल जी वाज हेल्पिंग मी टू सपोर्ट दैट एज वेल, सो आई थिंक दैट वाज नाइस एज वेल। राइट राइट। अच्छा, और दूसरा और एक और कहना था कि वो जो फीडबैक में ये जो था ना बहुत अच्छा था, और जब भी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो जो एक गाना था ना जिसमें जिसमें अपूर्वा जी ने कहा कि वो तीन शब्द आने चाहिए ना उस गाने में, प्यार और जिंदगी और कहानी। हाँ। तो फिर वो 10 टीम में से किसी को नहीं आया। हाँ। और देन आपने कहा कि ऑडियंस में से कौन बोलेगा, तो मैंने आई पुट माय हैंड अप
तो फिर वो मैंने गाया और आपने मुझे प्राइज भी दिया. तो मुद्दा ये था कि मुझे उसमें बहुत अच्छा क्यों लगा कि मेरी उम्र में मुझे वो गाना याद आया. और बाकी जो जवान लोग थे उनको याद नहीं आया ये गाना और आपको. तो वो 10 टीमों में से मैंने आई बिकेम अ काइंड ऑफ यू नो. हाँ, इतनी उम्र में भी मुझे अगर याद रहता क्या तो आप किसी टीम में ज्वाइन करना चाहिए था आपने. मेरी मेंटल फैकल्टीज मगर अभी तक अच्छी है इसका मतलब. बहुत बढ़िया. हाँ. ललिता जी हो जाए आपकी आवाज में एक फिर से शुरू हो जाइए. जो आपने गीत गुनाया था वहाँ गाया था कि. हाँ. जो अभी गाना है. नहीं नहीं वहाँ जो गाया था आपने. कुछ हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं जो जो वहाँ नहीं थे फंताक्षरी में आपकी आवाज में कुछ सुनना चाहेंगे वो कौन सा गीत था. दोस्तों मैं दोस्तों आपको बता दूं. हाँ, कि ललिता जी इतना अच्छा गाती हैं उतना बढ़िया हंसती भी हैं. उनका ट्रेडमार्क हंसी है उनकी है. अर्चना पूरन सिंह से भी ज्यादा ज्यादा इनकी ट्रेडमार्क हंसी है. वो हंसी का ऐसा हो गया कि गूगल ने मेरा वॉइस लेने के बदले मेरी हंसी को ले लिया. सो आई एम रिकॉग्नाइज्ड एज माय हंसी. वेरी नाइस, थैंक यू. हाँ, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है. अरे वाह वाह. ये गाना वो रानू मंडल ने भी बहुत फेमस कर दिया है. पता है ना आपको रानू मंडल ने भी यही गाना गाया और उसको वहां बुला लिया. और लता जी के जन्मदिन की भी उनको बहुत बहुत बधाई. वो 90 साल की हो गई हैं. और मुझे आपको ये कहना है कि जो लता जी हैं वो मुझ में समाई हुई हैं. क्योंकि अगर आप मेरे नाम से ली निकाल दें तो मैं भी लता हूँ. ललिता. तो मैं कभी कभी उनका वो जो ये है मुझ में आ जाता है जब मैं लता जी को ऐसे बहुत सुनना चाहती हूँ. आपको एक सजेशन, आप हिमेश रेशमिया को जाके मिल आपको मिलना चाहिए तो आपको कुछ चांस मिलेगा. नहीं नहीं अभी मुझे क्या चांस चाहिए. अभी हम लोग तो बहुत अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं और तो कुछ भजन गाइए. बहुत सब करते हैं. अभी वो ये जन्म का हो गया, अभी अगला जन्म सुधारने का टाइम. अच्छा ललिता जी आप ये बताइए, एक लिसनर पूछ रहे हैं कि आपको प्राइस मिला था कि नहीं आपने जो अच्छा गाना गाया था. नहीं वो प्राइस क्या मिला था. आपने कहा कि प्राइस तो बनता है तो आपने फिर मुझे प्राइस दिया. और फिर वहाँ से जो वो एक टीम थी ना वो मुझे कह रही बुला रही थी तुम यहाँ आ जाओ हमारे पास. हाथ से इशारे कर रहे थे तो मैं खुश हो गई. आपकी डिमांड बढ़ गई है, अगले साल आपकी एक टीम में होना जरूरी बनता है. सब टीम आपके पीछे पड़ जाएंगे. अच्छा प्राइस बताइए, क्या आपको क्या मिला था. मुझे याद नहीं आपको क्या प्राइस मिला था. आपने मुझे प्राइस दिया था बड़ा चॉकलेट. क्या हमने लाफ्टर दिया था क्या. आपने चॉकलेट दिया था और एक मील वाउचर दिया था. मील वाउचर. हाँ, टिका टिका स्टैंड का. टिका स्टैंड इज अभी फ्लोरियाड में लगा हुआ है. अगर आप जाके वहाँ खाना चाहते हैं तो वहाँ चली जाइए. टिका स्टैंड का वाउचर. हाँ, अब याद आया, टिका स्टैंड का वाउचर था. बहुत बढ़िया. सो आई थिंक दैट वाज नाइस ऑफ यू. और आपने मुझे इतना आदर सम्मान दिया. नहीं नहीं, हम उसके अधिकारी हैं अभी या नहीं पता नहीं, पर थैंक यू वेरी मच. के बहुत जो जब उम्र हो जाती है 70 के आप ऊपर हो जाते हैं. हमारे पंजाबी में तो कहते हैं कि 70 के ऊपर हो गया मतलब सत्तरिया बतरिया गया. सत्र, और, मतलब? और हिंदी में इसमें गुजराती में कहते हैं साथे बुद्धि नाथी. क्या मतलब इसका मीनिंग बता दी. मतलब हिंदी में उसका मीनिंग अच्छा नहीं है. 17 बतर में मतलब यूर मेंटल फैकल्टीज आर नॉट गुड. और आप मुझे इतना आदर सम्मान दे रहे हो तो मैं इतनी खुश हूँ. 60 के बाद आपकी कुछ. नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए ललिता जी. आप तो बहुत ही मतलब एक ट्रेजर है. यार खजाना खजाना. और लाफ्टर का तो आप बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं आपका वेट कर रहा था स्टूडियो में. आपकी हंसी खुशी थोड़ा सा स्टूडियो में से जो भूत प्रेत निकल जाएंगे. और लाफ्टर की एक बात बता दूं, सिडनी में एक मैरिज थी, मैं वहां गई तो वहां पर हमारी कैनबरा की फ्रेंड थी तो वो मुझे इंट्रोड्यूस करती है ये ललिता जी हैं मेरी फ्रेंड हैं, ये हमेशा हंसती रहती है. और ये जो खूबसूरती आपके पास है ये बहुत लोगों के पास नहीं है बेचारे. हम तो मैं तो कितने लोगों से मिलता हूँ बेचारे इतने उदास रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं. पता नहीं लाइफ में क्या है, हंसो खुशी रहो यार.
जिंदगी में गम गम है तो आपके जो दांत में जो बोलते हैं ना, गम है तो दांत भी है और टंग भी है, तो टंग का यूज करो। आपको मुझे क्लासेस शुरू करना चाहिए, लाफ्टर क्लासेस। मुझे बहुत लोगों ने कहा है, मैं एक्चुअली आई एम अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर ना विद YMCA, वहां पर हम लोग, हमारी क्लास हो जाती है उसके बाद में थोड़ा सा लाफ्टर का करती हूँ। वो मिस्टर कटारिया कौन है जो लाफ्टर योगा शुरू किया? मेरे ख्याल से आप, यू आर अ बेटर एम्बेसडर फॉर लाफ्टर योगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उनके कहीं नजदीक नहीं हूँ। अरे आप तो किसी भी बात पे आपकी हंसी सुन के हमारी हंसी निकल जाती है। एक वो नहीं, थैंक यू ललिता जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, कमिंग टू द फंताक्षरी, और अभी आपने फोन किया और अच्छा लगा, और आगे में आप टीम बना के आइए तो और भी मजा आएगा। थैंक यू सो मच। और अभी की पसंद का ये गीत जो आपने गुनगुनाया, ये लाइंड अप है, और आप चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, एक प्यार का नगमा है। दोस्तों आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मधु। थैंक यू ललिता जी, थैंक यू, बाय 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 बाय। जी हाँ, लगे रहिए, सुनते रहिए 24 घंटे सातों दिन। कुछ कहना हो, कहलवाना हो, प्लीज हमें फोन कीजिए 6287-4348, नहीं तो हमारा जी हाँ टेक्स्ट और व्हाट्सएप करना चाहें तो 04218980095। और हमें ऑल द वे फ्रॉम सिडनी सुना जा रहा है। जी हाँ, सिडनी में हमें सुन रही हैं स्वाति अग्रवाल जी। स्वाति जी थैंक यू सो मच। वो कह रही हैं आई होप एवरीथिंग इज ऑल वेल, दोस्तों तो ऐसा आई वॉज लिसनिंग टू रेडियो मनपसंद जस्ट अगो आफ्टर एजेस एंड एजेस। गौरव कम इन टू द किचन एंड लिसन्स टू योर वॉइस एंड सेज, मनीष को सुन रही हो ना? एक सेकेंड, मैं आपकी आवाज पहचान ली। वाओ, आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। थैंक यू स्वाति, अच्छा लग रहा है कि आप ऑल द वे फ्रॉम सिडनी सुन रही हैं और इंजॉय कर रही हैं, हमें भी अच्छा लगा। और आप, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी पसंद आ रहा है, मनपसंद आ रहा है रेडियो मनपसंद, तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए, अपने यार दोस्तों को बताइए कि वो लोग सुने, लगे रहें, सुनते रहें। और हम आ जाते हैं सुबह 10 से 11 बजे रोज़। जी हाँ, अब वीकडेज वीकेंड्स 10 से 11 और संडे तो 10 से 11 ही नहीं, 10 से 12 की महफिल लगती है, और मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे। तो अब ये 3 घंटे का जो शो है अब हो गया है 8 घंटे का शो, तो आप कभी भी ट्यून इन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लगे रहते हैं। और इस पर कोई फीडबैक देना चाहें, फरमाइश देना चाहें, वो भी आप भेज सकते हैं अपने ऐप द्वारा। चलिए प्यारा सा गीत सुनते हैं ललिता जी की पसंद का, आप सबकी पसंद का होगा। और नसरीन जी भी सुन रही हैं, नसरीन जी थैंक यू सो मच, ये गीत आपके लिए हम लगा देते हैं। जी हाँ, और कह रही हैं नसरीन जी, हमारे जी आरजे नसरीन हैं हमारी, जी आरजे हैं आरजे, और वो कह रही हैं कि इंजॉइंग अजीब दास्तां आफ्टर सो लॉन्ग, थैंक्स टू एनजी एंड लता एंड यू गाइस, एंड थैंक्स टू कल्पो। जी हाँ, वो प्यार से कल्पना जी को कल्पो कहती। नसरीन जी आपकी आवाज़ और आपका टेक्स्ट मैसेज बड़े सालों बाद आता है, कभी कभी आता है एकदम, जब लता होती है या मोहम्मद रफी होती है या मीना कुमारी होती है, वो उसके अलावा फिर नसरीन जी कभी सुनती नहीं है, कभी ट्यून ही नहीं करती। मीना कुमारी उनका बर्थडे एक ही दिन है मेरे ख्याल से। हाँ, इसीलिए तो वो बस वही है। चलिए कोई बात नहीं, नसरीन जी आप कभी कभी ट्यून इन कर लेती हैं, हमें भी अच्छा लगता है, लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा। नसरीन जी ये प्यारा सा गीत आपके लिए भी डेडिकेटेड है। Thank you.
दुनिया एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ये मौजों की रवानी क्या होता है, ये किसने लिखा है बड़ा मौजों की रवानी है जिंदगी, तेरी मेरी कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी को लेकर उन्होंने एक आजकल मूवी भी आई थी, तेरी मेरी कहानी है। चलिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारी कहानी आपकी कहानी, हमने वो सारी जबानी आपके सामने फंताक्षरी के रूप में लेकर आए थे, उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट लाइन पे मौजूद है, आरती टंडन जी। आरती जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक है, आपको अभी फंताक्षरी का अभी भी चढ़ा हुआ है भूत या उतर गया जो आप? नहीं, अभी भी है कि लास्ट मोमेंट में अगर मैंने अपनी टीम की तरफ एक बार देख लिया होता तो शायद पलट जाते बिकॉज दे न्यू द सॉन्ग, मैं थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक हो गई थी। अच्छा, तो श्रोताओं जो सुन रहे हैं जो फंताक्षरी में नहीं आए तो उनको बता दें कि आरती टंडन जी की एक टीम थी मस्तानी, और ये जो फंताक्षरी का जो फाइनल फिनाले जो राउंड था उसमें टाई हो गया था, एक बार नहीं हुआ दो बार हुआ, इट वाज लाइक ए क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच, और आरती जी की टीम बन गई थी न्यूजीलैंड की टीम जीतते जीतते हार गई, और जैसे आरती जी ने अभी बताया कि आरती जी उठ के गाना गाने लग गई। आरती जी आपको एक झलक सुनाइए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा आपने गाया था। हंसता हुआ नूरानी चेहरा गाया था जी हाँ। तो वो टीम को पता था लेकिन आरती जी इतने एक्साइटेड थी वो खड़े हो गए, हाँ उनकी तरफ देखा ही नहीं। तो एक सेकंड की बात थी, उसके दो सेकंड में विजुअल्स मेरे माइंड में आ गए कि ये वो गाना नहीं है जो मैं गा रही हूँ, मूवी सेम था बट इट्स ओके। चलिए नहीं जो हो गया नेक्स्ट ईयर। अब आपकी जो जो पार्टिसिपेंट्स थी क्या आपकी दोस्त हैं या छोड़ के भाग गई? नहीं है, अभी भी दोस्त क्योंकि अगले साल फिर से पार्टिसिपेट करेंगे ना। अच्छा आरती जी का आप तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने तो हैट्रिक मारी है। जब हमने फंताक्षरी शुरू की थी, जी हाँ शुरू की थी 2016 में, तब से वो है, तब से आप टीम लेकर आ रही हैं और अभी भी आप टीम लेकर आई हैं। हाँ जी, तब हम थर्ड थे जब आपने फर्स्ट टाइम किया था। अच्छा, तब हम थर्ड आए थे, लास्ट ईयर भी हम सेकंड आए थे, तब भी टाई ब्रेकर हुआ था। हाँ, और इस साल भी बस फर्स्ट आते आते वही। आप तो मास्टर ऑफ टाई ब्रेकर हैं। मास्टर ऑफ टाई ब्रेकर, जीती बाजी हार गए। जीती हुई बाजी तो हार गए। तो आपको बड़ा दुख होता होगा कि एक बार थर्ड आए, दो बार सेकंड आए और वो भी दोनों बार टाई में। दोनों बार टाई में रह गए, बट इट्स ओके, मतलब बहुत, हाँ नहीं नहीं इट्स ऑल राइट, हम लोग बहुत फन करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू, दैट इज वही हमारा भी मकसद होता है कि फंताक्षरी का है ही फन होना चाहिए, अंताक्षरी नहीं होनी चाहिए। अरे वही ना, वो तो बाकी टीम हार रही तो वो लोग और शोर मचाते थे और एंजॉय करते थे। वही तो, वही ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी ने तो आना ही है ना, द मेन थिंग इज हम लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, ये दैट इज द स्पिरिट, तो वही है। और जैसे जगदीश जी ने बताया कि हमने इस बार नई चीज देखी कि दूसरे टीम को आए ना आए लेकिन जब नहीं आता था ना, जैसे तो आपकी और शोर मचा देते, बाकी टीम और उछल के मचा देती कि हमको तो आता ही नहीं, उनको भी नहीं। हाँ उनको भी नहीं आता कि वही ना, हम तो डूबे, चलो वो भी डूब रहे हैं हमारे साथ, सब साथ में डूबेंगे तो अच्छा लग रहा। थैंक यू। और चलिए, और आरती जी कुछ आप कुछ अच्छा इसमें कुछ हम फंताक्षरी को मतलब सजेशन? नहीं नहीं मनीष जी, इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट, इट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, सो वी हैड लॉट्स ऑफ फन, आई कांट लाइक यू नो, बचपन से हम लोग देखते आ रहे थे ना इंडिया में जब अंताक्षरी टीवी पे आता होता था, तो वी आर लकी। हाँ अनूप कपूर का और वो पल्लवी जोशी, हाँ तो अभी आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो तभी तो हम लोग तीन साल से आ रहे हैं, बिकॉज वी एंजॉय इट अ लॉट ओवर देयर, लाइक वो तीन चार घंटे सब भूल जाते हैं, बस ऐसा लग रहा है एग्जाम चल रहा है हमारा। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता तो वो एग्जाम आपका फिर वो मजा। हाँ पर ठीक है, इट्स ओके, हम लोग मजा करते हैं, मजा करते हैं, दैट इज द पॉइंट। पल्लवी जोशी हमारी थी अपूर्वा और अनु कपूर मैं बनने की कोशिश कर रहा था, मैं बन नहीं सकता हूँ मोटा, ये किसने बोला? मैंने नहीं बोला। नहीं, बहुत अच्छा लगा था, वी वर ट्राइंग टू, और ऐसे ही फंताक्षरी में और भी आगे
तो कुछ आप कुछ कुछ इसमें कुछ चेंज लाना कुछ चाहती हैं कि कुछ इसमें कुछ नहीं, लोगों ने कहा कि चेंज नहीं लाना चाहती, आप साल में दो बार करें इवेंट। देखा, वही मैंने लोगों से सुना। दो मैंने अपूर्वा जी को भी बोला था कि साल में दो बार ऑर्गेनाइज करें। अपूर्वा तो अब कोचिंग क्लास खोलने वाली है। हाँ, ट्यूशन लगा करेगा, लोग उनके घर में आके सीखेंगे। नहीं, थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड प्लेइंग, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही लगे रहिए। एंड वी विश यू लॉट एंड लॉट्स ऑफ लक कि अगली बार आप फर्स्ट प्राइज लेके आए। आप हमेशा जीते हैं लेकिन सेकंड पे रहे, लेकिन सेकंड आना हर कोई की बस की बात भी नहीं है। सेकंड आप और वो भी ऐसे आसानी से नहीं, मतलब आपने बड़े टक्कर दे के जो, मैं वही कह रही हूँ ना, एक सेकंड का बात होता है, था कि मेरी टीम अब मुझे मारेगी, जूते मारेंगे। But they all were very supportive. They were happy. At least we came second and we did like good job. We were there till the end. So it was all good. लेकिन आरती जी, आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है ना, हम आप देख के वाकई दंग रह गए। हम उस दिन आपने हस्ता अनुरानी चेहरा का जो वर्स भी गाया, आपने जो अंतरा भी गाया, पूरा अंतरा गाया, बहुत ही अच्छा लगा। एक आपकी आवाज में हो ही जाए, एक दो लाइन तो सुना दीजिए मुखड़ा। दो लाइन आप? हाँ, व्हाई नॉट। तो क्या हो गया, हम सिंगर नहीं है पर गाने का कोई शौक तो रखते हैं। आपने लिरिक्स इतने बढ़िया गाए थे और हम किसी को नहीं पता था, पुराना गाना है 1963 का और आपको याद था, वो पुराने लोग भी बता रहे हैं, पुराने गानों में ही मजा है है ना। तो और उनके लिरिक्स भूलते भी नहीं है, होता है। हाँ, मैं गाती हूँ, चलो आप सुनो। हाँ, मजे तो बिल्कुल हो जाए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा, ओ दिलरुबा दिलरुबा, ओ दिलरुबा। और लकीली हमको पॉइंट्स भी मिल गए, बिकॉज़ वी वर नॉट श्योर ऑफ द लाइन। आप स्टेंजा भी गा दीजिए, और आप आगे के डांस भी कर रही थी गाने पे। हाँ जी, स्टेंजा भी गा के सुना दीजिए। जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, जी भर के, जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, सब कुछ गवारा है थोड़ा प्यार कर, ओ दीवाने ओ दीवाने, तू क्या जाने दिल की बेकरारियां है क्या। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, क्या बात है, आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। अब हम विनर हो जाएंगे, आपको मिलता है पूरा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू मनीष, थैंक यू आरती जी, बहुत अच्छा लगा। दैट इज द स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच, और लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, थैंक यू। ओके जी हाँ जी, दोस्तों ये थी आरती टंडन जो हमारे साथ बात कर रही थी, और ये भी एक पार्टिसिपेंट थी, और उन्होंने भी बस जीते जीते बस जरा सा चूक हो गई थी, और वो खुद ही मान लिया उन्होंने अपनी, बोले कि मेरी गलती थी। हाँ, उनकी गलती थी, वो मान रही हैं कि वो एकदम टाई ब्रेकर में, ये ऐसा राउंड था कि एक गाना हमने प्ले किया था, तो जो भी टीम खड़े होकर सबसे पहले गा देगी उसको मिल जाएंगे 50 पॉइंट्स। और इन्होंने बिल्कुल एक सेकंड के आधे सेकंड में खड़े होकर उन्होंने गाना शुरू कर दिया, तो दूसरी टीम ने गाया नहीं भी तो भी जीत गए, बाय डिफॉल्ट जीत गए। तो दैट इज द थिंग। लेकिन बहुत मजा आया। जी हाँ दोस्तों, चलिए आप लोगों को भी कुछ फंताक्षरी के बारे में कुछ गपशप करनी है या जनरल कुछ भी बातें करनी है, प्लीज हमसे हमारे साथ फोन कीजिए। जी हाँ, स्टूडियो का नंबर है 6287-4348। मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं 04218980। नसरीन जी, थैंक यू सो मच, आपने भेजा कि आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, बट थैंक यू सो मच। जी हाँ नसरीन जी, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप इस स्टूडियो में हमेशा आप हमारे साथ प्रोग्राम करती थी, अभी आप हाल ही में गायब हो गई हैं, आपके लिसनर्स जो आपके फैंस हैं वो सब आपको बहुत याद करते हैं, तो प्लीज़ कम बैक कोई अच्छा सा प्रोग्राम। जी हाँ, रफ़ी आ रहे हैं, जी हाँ दिसंबर में लग रहा है वापस आएंगी, जब बर्थडे होगा रफ़ी का, जब बर्थडे होगा तो नसरीन जी, बिकॉज कल्पना जी नहीं है तो नसरीन जी भी चली गई, मैम हमें अच्छा नहीं लग रहा, चलिए आप आएंगी अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। और ये जैसे हमने कहा कि सारी फंताक्षरी टीम्स को यही कहेंगे कि प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी तो नैया पार लगा ले तू। ये आ गए रणबीर कपूर फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर पूरा तड़का लगा के। और अब 2400 घंटे साथ होते ना आपके हाथ में, आपके साथ में।
डाउनलोड द रेडियो मनपसंद का एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप. लगे रहिए, सुनते रहिए पूरा तड़का लगा के. This is Ranbir Kapoor. You're listening to Radio Manpasand. Ye jo haal hai, sawaal hai, kamaal hai, jaane na jaane na. Badtameez dil, badtameez dil, badtameez dil. जी हाँ, बदतमीज दिल हमारा भी नहीं मानता है और हम आ जाते हैं आपसे गपशप
करने हैं। जी हाँ, आ जाते हैं हम। जी हाँ, अब आपका ये रेडियो मनपसंद, जी हाँ प्यारा रेडियो मनपसंद, अब 13 साल का हो गया और 13वीं बर्थडे पे वो हो गया है 24 घंटे 7 दिन। जी हाँ, अब आपके हाथ में, आपके साथ में, एंड्रॉयड फ़ोन पे सुन सकते हैं, iOS ऐप के iOS ऐप का भी पे सुन सकते हैं, वेबसाइट पे सुन सकते हैं, या रेडियो मनपसंद .com पे सुन सकते हैं। अगर आप कैनबरा में, आपके पास कोई भी स्मार्ट डिवाइस या डिजिटल डिवाइस नहीं है, तो आप हमारे FM चैनल यानी 91.1 पर भी सुन सकते हैं। लेकिन ये केवल 91.1 FM के लिए आपको संडे का वेट करना पड़ेगा। या संडे को 10 से 12 बजे होता है और ट्यूसडे की शाम को 7 से 8 बजे होता है। लेकिन अगर आप 24 घंटे 7 दिन सुनना चाहते हैं, तब आपको अपना ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा। जी हाँ, और मैं आ जाता हूँ जी हाँ मंडे टू फ्राइडे आपसे लाइव गपशप करने के लिए 10 से 11 बजे, और फिर उसका रिपीट शो आप शाम को 4 से 5 बजे सुन सकते हैं। तो चलिए, और भी बातें आप हमसे कुछ शेयर करना चाहें, तो हमें फीडबैक देना चाहें, तो अपने ऐप के द्वारा दे सकते हैं। सिंपल सा एक मेन्यू बार बटन है लेफ्ट हैंड टॉप हैंड कॉर्नर पे, वहाँ से रिक्वेस्ट सॉन्ग है, फीडबैक है, और वगैरह वगैरह जो भी आपको। बहुत ही सिंपल ऐप है और लोगों को पसंद आ रहा है, बोल रहे हैं कि सब ने कहा है कि इट्स अ वंडरफुल ऐप। गाने हमेशा 24 घंटे 7 दिन लाइंड अप रहते हैं। आज के दिन हमने लता मंगेशकर के सारे गाने लाइंड अप किए हैं। जी हाँ, बस हमारा कार्यक्रम आधा घंटे का और है, उसके बाद आप लता जी के प्यारे प्यारे गीत सुनते रहेंगे, और साथ में आप जी हाँ शाम को, जी हाँ शाम को ये कार्यक्रम, ये जो हमारा 2 घंटे का कार्यक्रम है रिकॉर्ड हो रहा है, तो 3 से 5 बजे आप ये पूरा का पूरा अनएडिटेड वर्जन आप सुन सकते हैं ऐप के द्वारा। तो आपने अगर लेट ट्यून किया है या सुन नहीं पाए किसी वजह से, या तो वो आप 3 से 5 आज शाम को ही आप सुन सकते हैं हमारे ऐप के द्वारा। तो बस अपना फीडबैक, कमेंट्स, सजेशंस, कमेंट और टिप्पणियाँ जो भी आपको, और जो भी अपना प्यार आशीर्वाद आप भेजते रहिए हमें ईमेल के द्वारा, tadka@radiomanpasand.com, नहीं तो ऐप के द्वारा जैसे मैंने आपको कहा, नहीं तो आप व्हाट्सएप या टेक्स्ट करना चाहें तो 04218980095। और जी हाँ, जैसे हमने कहा कि नवरात्रे की शुरुआत हो चुकी है आज से। जी हाँ, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, और ये जी हाँ 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, उसके बाद 10वें दिन या दशमी को 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा विजयदशमी का पावन पर्व। और नवरात्रे कैनबरा में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और गुजराती समाज ऑफ कैनबरा ACT लेकर आया है नवरात्रे 2019। जी हाँ, कल से क्या, फ्राइडे की रात से ये नवरात्रि शुरू हो गया है, रास गरबा डांडिया का कार्यक्रम। जी हाँ, 27, 28, 29, 30 सितंबर, फिर 1, 2, 3 अक्टूबर। जी हाँ, ये डांडिया रास का जो मेला है ये लग रहा है मार्गरेट हेनरी स्कूल 100 सदरलैंड क्रीसेंट टेलर ACT में। जी हाँ, वहाँ जाइए, और उसके बाद जी हाँ 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को, जी हाँ ये लॉन्ग वीकेंड है, याद रखिए लेबर डे हॉलीडे है 7 अक्टूबर को, तो 4, 5, 6, 7 अक्टूबर यानी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, जी हाँ ये लगेगा आपके ACT बास्केटबॉल कोर्ट में, जो कि है 42 ओटली कोर्ट बेलकॉनन में। ये सारे कार्यक्रम शाम के 7 बजे शुरू होते हैं और रात के 11 बजे तक ये चलते हैं। जी हाँ, डांडिया रास का ये मेला लगता है। टिकट्स आर वेरी रीजनेबल, $10 एडल्ट्स हैं और $5 किड्स है, और आपके बच्चे 8 साल से कम हैं तो दे आर एब्सोल्युटली फ्री। तो इसमें जाइए, इन्जॉय कीजिए, नवरात्रि मनाइए और नाचिए गाइए, और खाने पीने का वाकई इंतज़ाम है, तो आपको घर में कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वीकडेज में भी आप जा सकते हैं, थोड़े देर नाचिए और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और आप थोड़े से, क्योंकि जब आजकल तो नवरात्रि चल रहे हैं, त्यौहारों का मौसम है, तो खाने पीने जा मिठाइयाँ बहुत बन रही हैं, खाए जा रही हैं, और वेट पुट ऑन करने का समय आ गया है, तो ये बना सकते हैं। साथ में नवरात्रि जी हाँ दोनों मंदिर में मनाई जाएगी। नवरात्रि HTCC फ्लोरी यानी हिंदू टेम्पल कल्चरल सेंटर फ्लोरी में मना रहे हैं। जी हाँ, संडे आज से शुरू हो रहा है कार्यक्रम 29 सितंबर से, और मंगलवार 8 अक्टूबर तक शाम के 6:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें अर्चना अभिषेक है, भजन है, आरती है, भोजन प्रसाद का आयोजन है, और 8 बजे के बाद यहाँ पे भी रस गरबा और डांडिया खेला जाएगा। संडे 6 अक्टूबर को, जी हाँ संडे 6 अक्टूबर को शाम के 7:30 बजे से कन्या पूजन का आयोजन है, और दशहरा मनाया जाएगा HTCC फ्लोरी में मंगलवार 8 अक्टूबर को शाम के 6 बजे से, तो उसमें आप जा सकते हैं। साथ में
नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है आपके विष्णु शिवा मंदिर में। आज से प्रोग्राम यानी संडे 29 सितंबर से कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, शाम के 6 बजे और रात के 9 बजे तक चलेंगे। इसमें भी अभिषेकम है, अर्चना, पूजा, कल्चरल प्रोग्राम है जी, और साथ में आरती और महाप्रसादम है। तो ये कार्यक्रम आज संडे से शुरू होकर 8 अक्टूबर मंगलवार तक चलेंगे। तो ये आप भाग ले सकते हैं, जाइए इंजॉय कीजिए और पावन पर्व ऑफ जी नवरात्रि, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस यही कहेंगे जी हाँ जगदीश जी, अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से अभी अनाउंस हुआ है, सम्मानित किया जाएगा आई थिंक, और भारत सरकार ने इसके अनाउंसमेंट किए। तो अमिताभ बच्चन जी को भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और वो कभी थकते नहीं, ही इज द मैन एनर्जाइजर का जो ऐड है ना, हिंदी मूवीज में आ रहे हैं और केबीसी तो करते ही है बहुत सालों से, केबीसी कर रहे हैं और उनमें जो हिम्मत और जो लगन है काम करने की, चाहे वो एड्स कर रहे हो चाहे केबीसी कर रहे हैं, मूवीज आ रही हैं, 3 मूवीज आई थिंक लाइंड अप है, इस साल एक भी नहीं आई लेकिन 2020 में वो 3 मूवीज आ रही हैं, बदला आई थी, हाँ तो मूवी थी वो, तो ही नेवर स्टॉप्स, वो पता नहीं क्या खाते हैं क्या खाते हैं, कैसे उनकी एनर्जी आती है, और जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आई थिंक 40% लीवर पे जी रहे हैं ऐसे, वो 83 में एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में उनका लीवर फुल्ली फंक्शनल तो है ही नहीं, फिर भी वो बहुत उत्साह के साथ फिल्मों में काम करते हैं, केबीसी करते हैं, बहुत सारे एड्स करते हैं, तो बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन है। मेरे ख्याल से उनका दादा साहब फाल्के अवार्ड कब का मिलना चाहिए था, मैं भी यही सोच रहा था, लेट क्यों रुकते हैं गवर्नमेंट, हमें समझ में नहीं आता, कितने दो दशकों से काम कर रहे हैं, 19 सालों से है वो, 70s से वो काम कर रहे हैं, अभी तक थके नहीं है, चले जा रहे हैं, वही ना, बाकी सारे हीरो हीरोइन सब बीच में साइड में हो गए हैं लेकिन वो कभी नहीं थक रहे, शायद उनपे लग रहा है घर का प्रेशर, पीयर प्रेशर, मतलब घर का प्रेशर इसलिए है क्योंकि घर वाले कोई और काम ही नहीं करता, तो घर की रोजी रोटी चलाने के लिए किसी को तो काम मेहनत करनी पड़ती, वो है वो बेचारे रिटायर कैसे होंगे, जय बच्चन है, ऐश्वर्या राय बच्चन है, अभिषेक बच्चन है, कोई तो भैया काम कर लो तो आपके पिताजी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन क्या करें, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो करते हैं वो बड़े मन से और धन तो है ही, मन तन धन से करते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू अमिताभ जी, बिल्कुल सल्यूट है सर आपको, साक्षात दंडवत प्रणाम अमिताभ भाई जी, और शहंशाह है हमारे बॉलीवुड के शहंशाह है, सल्यूटली कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल नहीं, चलिए अमिताभ जी की बात हो रही है और नवरात्रि की बात हो रही है, तो एक ही गीत मेरे दिमाग में आता है वो है सुहाग का गाना, एक प्यारा सा गीत हो जाए अमिताभ बच्चन जी को ये हमारी तरफ से सम्मानित करने के लिए, ये कि उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड और मिलते रहे और वो और भी एनर्जी से अपना ये एक्टिंग का जलवा दिखाते रहें, और केबीसी में कितने लोगों को करोड़पति बना दिया है, खुद तो बन गए करोड़पति लेकिन बाकी लोगों को तो बना ही दिया चलिए ये प्यारा सा गीत हो जाए, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जी, आप दोस्तों लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, 2400 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में, माता शेरावाली आ गई और इस निकाल लीजिए अपने डांडिया स्टिक्स और लग जाइए नाचने के लिए, गरबा रास करने के लिए, ये गीत भी थोड़ा सा डांसिंग वाला गीत है, चलिए लगे रहिए सुनते रहिए पूरा तड़का लगा के, Yeah.
कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी मेरा जीवन है या मेरा जीवन संगीत के लिए है, कहना जरा मुश्किल है। जब मैं 5 साल की हुई तो पिताजी से गाना सीखना शुरू किया। 1942 में पिताजी का अचानक स्वर्गवास होने के बाद मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था फिल्म। मैंने फिल्मों में बाल कलाकार की हैसियत से काम करना शुरू किया।
1945 में शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उस्ताद अमान अली खां साहब भिंडी बाजार वाले का गंडा बांधा। 1947 में प्लेबैक सिंगिंग का सफर शुरू हुआ। मन में बस एक इच्छा थी कि गाऊं, खूब गाऊं, अच्छा गाऊं और उस वक्त तक संगीत की सेवा करूं जब तक सांसें मेरा साथ दें। 65 साल का ये सुरीला सफर इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही नहीं चला। ये मेरा सौभाग्य है कि इस सुरेले सफर में मुझे मुख्तलिफ दौर के गुणी संगीतकारों के साथ भी काम करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, मेरे हिस्से में मशहूर गीतकारों के दिल को छू लेने वाले खूबसूरत गीत भी आए और हर दौर के मशहूर गायक और गायिकाओं के साथ गाने का अवसर मिला। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी हाँ, ये थी लता जी अपनी आवाज़ में, कह रही थी अपना म्यूजिकल जर्नी के बारे में बात कर रहे थे। लता जी, आपने तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन आपसे हमने जो सीखा वो तो बयान नहीं कर सकते। इतना कुछ हमने, आपने कितने सालों से, 65 साल अभी बोले, मेरे ख्याल से 70 साल से एंटरटेन कर रही हैं हमको। यस, एग्जैक्टली। उन्होंने देखो, जैसे संगीतकार राजेश रोशन है, उनके लिए गाने गाए, उनके पिताजी रोशन के लिए भी गाने गाए थे और आर डी बर्मन के लिए गाने गाए, वैसे उनके पिताजी एस डी बर्मन के लिए गाए। चित्रगुप्त जो संगीतकार थे, उनके बेटे आनंद मिलिन के लिए, तो बहुत सारी जो संगीतकारों की पीढ़ी है उनके दो दो पीढ़ियों के लिए उन्होंने गाने गाए है। तनुजा के लिए गाने गाए, उनकी बेटी काजल के लिए गाने गाए, तो उनका एक लंबा सफर रहा है। तो एक बहुत ही, यानी जहां अमिताभ की बात करते हैं वहीं लता जी की भी बात करनी पड़ेगी। टू आइकॉन्स, आइकॉनिक फिगर्स ऑफ हमारे हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड के। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वो तो गायिका तो है ही, बहुत बड़ी महान गायिका है, मगर उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों के लिए संगीत भी दिया है। अच्छा। वो जब संगीत देने की जब बारी आई थी, तो उन्होंने क्या कहा प्रोड्यूसर से कि मैं मेरा नाम नहीं दूंगी, मैं एक अलग नाम से संगीत दूंगी। अच्छा। क्योंकि उनको डर लग रहा था अगर ये लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग हंसेंगे। मोरे वो गाने इतने हिट हो गए, आज भी हम वो गाने मराठी गाने सुनते हैं। एक लाइन हो जाए अगर याद है, अगर ऐरणीचा देवा तुला ठिणगे ठिणगे बाहुदे, आबाळागत माया तुझी अम्मावरी राहुदे। तो ऐसा एक बहुत सारे गाने उनके उस जमाने के फेमस है, बहुत ही मराठी लोगों को पता है उनके। लावणी के, लावणी के कम है वैसे, लावणी के भी है वैसे बहुत। अच्छा। सारे है। लावणी तो उनके बहुत फेमस है जो आशा जी ने गाई है, पर संगीत इनका है। तो बहुत सारे गाने हैं। और उस जमाने के, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये 1949 की बात है जब महल फिल्म आई थी जिसमें मधुबाला हीरोइन थी और मधुबाला का नाम था कामिनी, वो कैरेक्टर का नाम उस फिल्म में, और उसका गाना बहुत ही फेमस हो गया था, आएगा आने वाला। उसके बाद लता मंगेशकर नेवर लुक बैक। मगर एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि उस जमाने में सिंगर्स के नाम तो टाइटल्स में नहीं आते थे, जैसे हीरो के नाम है दिलीप कुमार है, मधुबाला है, अशोक कुमार है, उनके नाम आते थे, डायरेक्टर के नाम आते थे, मगर सिंगर्स के नाम नहीं आते थे। और रिकॉर्ड जब निकला था महल फिल्म के गानों का, उसमें जो आएगा आने वाला की सिंगर का नाम था कामिनी, और एक कामिनी नाम था मधुबाला का कैरेक्टर नाम जो फिल्म। अच्छा। में कामिनी नाम था। तो लता जी ने आवाज उठाई कि ऐसा क्यों भाई, हमारा नाम रिकॉर्ड पे मेरा नाम होना चाहिए। बाद में उन्होंने रिकॉर्ड कंपनी के साथ बहुत झगड़ा ने तो नहीं बट आर्ग्यू किया, बाद में उनका नाम आ गया। और बाद में उन्होंने बरसात फिल्म के लिए गाने गाए थे, राज कपूर की फिल्म थी 1950 में। राइट। उसके गाने तो बहुत सुपर डुपर हिट हुए थे। तो उन्होंने राज कपूर से कहा था कि भाई सिंगर्स के नाम तो टाइटल्स में आने चाहिए। तो राज कपूर ने उनकी बात मान ली और बरसात फिल्म में पहली बार सिंगर्स के नाम टाइटल्स में आ गए थे। तो लता जी हमेशा कुछ झगड़ा करती थी और अपना जो खुद को जो उनका सही हक था वो पा लेती थी। झगड़े की बात की तो आशा जी के साथ भी उनका बड़ा कंपटीशन रहता था कि आशा जी उस समय उठ रही थी, लेकिन उनका डिफरेंट दोस्त, डिफरेंट स्टाइल। आशा जी का जो स्टाइल है लता जी का अलग स्टाइल है, क्योंकि आशा जी को पता चला कि मैं लता जी के गाने गाऊंगी तो मेरा कुछ महत्व रहेगा, महत्व नहीं रहेगा। बाद में ओपिनर ने उनको एक अलग ही स्टाइल के गाने गाने के लिए कहा, जैसे नया दौर के गाने हैं। और बाद में ओपिनर का तो उनका एक अलग ही रिश्ता हुआ था। हाँ। बाद में आर डी बर्मन ने उनके अलग स्टाइल दी, तो उन्होंने अपने खुद का एक स्टाइल बनाया था, खुद का नाम अलग से बनाया। कभी लता जी की शैडो में नहीं रही वो, बिल्कुल। लता एक जगह है, आशा जी एक जगह है, लेकिन बीच में जो उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही थी आशा और लता जी की जो, और तो उसको जो कहते हैं कि जो मतलब इसको जो
शांति लाए वो थे आरडी बर्मन। आरडी बर्मन, आरडी बर्मन के दिल में तो खैर आशा जी थी, लेकिन लता जी से भी उतने गाने गवाए जितने आशा जी से गाए, लेकिन आशा जी से जो गवाए वो सारे ढिंचैक फास्ट नंबर से स्टाइल के गाने। हाँ, अब आप देखो चाहे दम मारो दम है, दम मारो दम है, और पिया तू अब तो आ जा, पिया तो हाँ तो दुनिया में। हाँ, और लेकिन लता जी से भी वैसे ही उतने सॉफ्ट नंबर्स और बहुत ही आंधी के गाने हैं, आंधी के गाने, अनामिका अनामिका बाहों में चले आओ, क्या बात है। तो वही ना, लता जी का और आशा जी का दोनों को साथ लेके चलते थे, मतलब एक तरफ बीवी एक तरफ साली साली क्या डेढ़ सास बोलते हैं, बड़ी साली को तो डेढ़ सास बोला जाता है, वो सास की तरह बिहेव, क्योंकि तो लता जी को भी साथ लेके जाए, तो ये आरडी बर्मन का ही कमाल था। चलिए एक और फरमाइश हम पेश करेंगे जी, हाँ वो आई है, लेकिन उससे पहले आएगा आने वाला एक थोड़ा सा लगा झलक सुनाएंगे। यस जी हाँ, आएगा आने वाला, और लता जी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत हमें लाइंड अप कर दिए हैं। लेकिन जाह्नवी मेहता जी का मैसेज आया, वो कह रही है गुड मॉर्निंग मनीष जी, वॉन्टेड टू कॉल यू फॉर द फीडबैक बट आई एम लिटिल स्टक विथ समथिंग सो वोंट बी एबल टू कॉल, सॉरी। आई एम जैसे मैंने कहा कि रेडियो मनपसंद टीम को वो धन्यवाद दे रही हैं, और कह रही हैं स्पेशल थैंक्स टू पूर्वा एंड निखिल फॉर द ऑल द हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ टीम बाहुबली एंड काफी क्लब, एंड वी आर ऑल सेट फॉर हैट्रिक नेक्स्ट ईयर। ओके, इट वॉज ए वेरी फन फील्ड फन ताक्षरी जी। हाँ, जाह्नवी मेहता वॉज पार्ट ऑफ द विनिंग टीम, यस, और फर्स्ट टाइम उन्होंने भाग लिया था तो कोई भी प्राइज नहीं, वो लास्ट थी, वुडन स्पून मिला था फर्स्ट सेकेंड में आई थिंक थर्ड आए थे और अब फर्स्ट आ गई थी। तो जाह्नवी ने पार्टी चेंज करती रहती है, जाह्नवी भी एकदम क्या कहते हैं स्मार्ट गेम खेल रही है। काफी क्लब, खैर काफी क्लब ने तो ये प्राइज जीता था, तो थैंक यू सो मच। और साथ में हमें दीप्ति मेलोत्रा जी ने भी मैसेज भेजा है, वो कह रहे हैं कि फंताक्षरी वॉज फैबुलस एंड माई टीम एंजॉयड अ लॉट, वी जॉइंड फॉर मस्ती नॉट टू विन द प्राइज। बहुत बढ़िया, दैट्स द स्पिरिट। और उन्होंने ये कहा कि ये मस्ती हमने दिखाई क्योंकि रेडियो मनपसंद ने उनका फुलफिल आर रिक्वायरमेंट्स, और वो कह रही है कि एज ए सबूत हमारी टीम ने एक डांस भी किया इवन दो वी आर लूजिंग द गेम। यस यस यस, याद है आपको? यस मुझे याद है, डांस झूठ बोले कौवा काटे। तो वो उनकी टीम की जो मीना जी थी वो तो बोले कि अब हार ही गए तो चलो एंजॉय करते, एंजॉय करें बस, दैट इज द स्पिरिट। जी एग्जैक्टली, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर वाली टीम, रेशमा जी आप सुन रही हैं, रेशमा जी तो जितने वो तो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही थी, वो दूसरी टीम नहीं गाती थी तो ज्यादा एंजॉय करते थे। और दीप्ति जी आगे लिख रही हैं कि एज ए सबूत हमारे टीम ने डांस भी किया, वेल ऑर्गेनाइज रेडियो मनपसंद, कीप इट अप मनीष एंड टीम, होप टू ज्वाइन यू नेक्स्ट फन ताक्षरी, रिगार्ड्स दीप्ति मल्होत्रा। थैंक यू दीप्ति जी, दीप्ति जी ने भी बहुत इंजॉय किया, उनकी भी एक टीम थी। नेहा जी ने भी बहुत इंजॉय किया, नेहा कोडवानी की भी एक टीम थी, उन्होंने कहा कि मॉर्निंग मनीष, इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ फंताक्षरी, वी एंजॉयड टू द मोस्ट, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स अपूर्वा फॉर हर एफर्ट्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग, दिस ईयर इट वॉज मोस्ट चैलेंजिंग, 100% फन, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी द पार्ट ऑफ फंताक्षरी नेक्स्ट ईयर, टीम मस्तानी। थैंक यू नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आप सभी को, और ये सारे मैसेजेस और भी मैसेजेस जी हमने न्यूज़लेटर के द्वारा आपको शेयर कर दिए, जितने भी फीडबैक आया, फेसबुक पे भी जाके आप हमारी फंताक्षरी की पूरी फोटोज़ देख सकते हैं और फीडबैक देख सकते हैं, थैंक यू सो मच। और जैसे हमने बताया कि वो मीना जी के फरमाइश पे एक गीत तो बनता ही है, झूठ बोले कौवा कह, वो तो होना ही चाहिए लता जी की ही आवाज में, घर में वहाँ डांस भी करेगी बॉबी का संगीत लक्ष्मीकांत आरडी ने नहीं दिया था, नहीं चलिए, क्योंकि गीत जो म्यूजिक है वो आरडी टाइप का म्यूजिक है। चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं और आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए जी हाँ, मना
रहे हैं लता जी का 90th बर्थडे. जी हाँ, कल वो हो गई हैं 90 साल की. और हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही गाती रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और सेंचुरी मारें. जी हाँ, क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है लता जी की. बात करें क्रिकेट वो पूरा और सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बहुत कैंपेनिंग किया था उसे भारत रत्न मिलना चाहिए, आखिर में मिला. जी हाँ, और वो उनका ये भी ट्रिविया है कि कागज पर कुछ लिखने से पहले वो श्री कृष्ण जरूर लिखती हैं. हम लोग बहुत लोग ओम लिखते हैं, कुछ लोग श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, वो श्री कृष्ण लिखती हैं. और रिकॉर्डिंग के समय वो हमेशा नंगे पैर ही गाती हैं, मतलब वो पूजा मानती है. तो संगीत तो संगीत एक पूजा है, पूजा है. थैंक यू. और आपने जो कहा था कि आएगा आने वाला, और कहा गया कि वो 22 रीटेक हुए थे उस जमाने में, अब तो होंगे. आजकल तो ऑटो ट्यून पे सब हो जाता है, अभी कुछ बेसुरे गाओ फिर भी फर्क नहीं पड़ता, बिना रीटेक के गाना रिलीज हो जाता है. चलिए, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे लता जी एंड रणबीर कपूर. बड़ा अच्छा किस्सा मैं आपको सुनाऊं. उस वक्त तो आना दुआने होते थे ना, तो एक दिन मेरी माँ ने कहा, नौकरानी को कहा कि जाके जरा साबुन ले आ दुआने का. तो वो वापस आया, कहने लगे ये दुआनी झूठी है, वो ले नहीं रहा है. तो मैं जानती थी उस दुकानदार को, उसका नाम चिल्या था. तो मैंने कहा ला, मैं लाती हूँ. मैं भाग के गई और उसको कहा चिल्या सौंप दो. उसने कहा अच्छा. तो मैंने कहा देख ये पैसे डाल रही हूँ. उसकी पेटी में मैं पैसे डाल दिए, तो वो झूठे थे. मैं साबुन लेके घर आई, मैंने कहा देख मैं लेके आई. तो मेरे पिताजी ने सुना, कहने कैसे लेके आई तू. तो मैं चुप हो गई. तो मेरी माँ ने कहा बता कैसे लेके आई. मैंने कहा वो मैं डाल के आई वहाँ पैसे. तो कहने झूठे थे. हाँ अच्छा. कहने ये दुआने ले जा और उसकी माफ़ी मांग और ये पैसे उसको दे दिया. तो फिर तो ख़त्म हो गया किस्सा. मैंने तो बैठ के रोना शुरू किया. मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, अब इतना बड़ा ये करके आई हूँ मैं तूफान, और अब जाके मैं माफ़ी मांगू. मैंने कहा मैं तो नहीं जाने वाली हूँ. मेरे पिताजी ने कहा नहीं तुमको जाना पड़ेगा, तुमको ये सीखना ही पड़ेगा. तुम जाके उसको कहो मैंने झूठे पैसे दिए थे, अब मैं ये लेके आई हूँ. सच चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो. अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो. चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा. तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी. मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा. से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो. अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो.
1945 में बॉम्बे आई. बॉम्बे में नाना चौक में एक जगह है जहाँ हम लोग रहने लगे. हमारी कंपनी में एक कैमरामैन थे, वो मेरे पास आए. उन्होंने कहा कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनको एक नई सिंगर की ज़रूरत है, तो तुम अगर गाना चाहो तो चलो. हरिश्चंद्र बाली उनका नाम था. उनको मैंने गाना सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा. जब उनके गाने मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तब एक एक्स्ट्रा सप्लायर होते हैं ना हमारी फिल्मों में, वो एक आया. उसने मुझे आके कहा कल तुम फिल्मिस्तान में आना, वहाँ मास्टर गुलाम हैदर आए हैं, उन्होंने तुमको बुलाया है. जब मैं मास्टर जी को मिलने गई तो उन्होंने कहा तुम गाना सुनाओ. मैंने एक गाना उनका सुनाया, उनकी पिक्चर का कोई था. गुलाम हैदर साहब से मैंने एक बात सीखी थी कि बोल बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और दूसरी बात उसमें ये थी कि जहाँ बीट आता है वहाँ जो बोल आएगा उस पर थोड़ा सा जोर देना ताकि गाना एकदम उठे. बाद में मैंने गाना शुरू किया तो अनिल विश्वास जैसे आए. अनिल दा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे गाने में सांस कहाँ छोड़नी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, तो ये मैंने उनसे सीखा. यहाँ तक कि मैं माइक के सामने होती थी तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैंने कहाँ सांस ली, कहाँ छोड़ी. दूसरी बात मैंने उनसे ये सीखी कि कोई सुर लगाना है तो कितना मतलब फेड इन फेड आउट करना. जी हाँ दोस्तों, ये थी लता जी अपने बारे में बता रही थी, अपनी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बता रही थी. जी हाँ, इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी का 28 सितंबर को 90वां जन्मदिन था, और अभी भी वो मना रही होंगी. मेरे ख्याल से आज संडे है, वीकेंड है, तो पूरा पूरा. और लता मंगेशकर एक जीवित किंवदंती हैं, और ईश्वर के वरदान के रूप में उन्हें जो आवाज़ मिली है उसका सर्वोत्तम उपयोग मानव कल्याण के लिए लता जी ने किया है. और जब तक धरती पर सूरज चांद और सितारे रहेंगे, लता की आवाज़ हमारे पास गूंजती रहेगी. चलिए, लता जी को हम फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं. और रणबीर कपूर जी, हम आपको भूले नहीं, आप तो अभी 37 है, 37 आपको 90 साल तक जीना है, अभी तो टाइम है. तो अभी आपके बारे में हम और बात करते रहेंगे. लेकिन दोस्तों, आप लोग जाइएगा नहीं, आपके ये सब जो लता जी के जो किस्से कहानी है जो उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड की है, ये सब लाइंड अप है. आप हमारा प्रोग्राम सुनते रहिएगा. जी हाँ, 12 यहाँ बच्चों के, हम लोग तो जाने का समय हो गया, लेकिन आप लोग 12 से 3 सारे लता जी के गाने लाइंड अप हैं. और ये छोटे से किस्से कहानियाँ भी मौजूद हैं, लता एंड किशोर जी की भी कहानियाँ. लता ने किशोर ने बहुत सारे एवरग्रीन सॉन्ग दिए हैं, उसकी कहानी के ऊपर भी एक स्पेशल प्रोग्राम लाइंड अप है. साथ में ये प्रोग्राम हमारा रिकॉर्ड हुआ 10 से 12 बजे हमने प्रोग्राम किया. ये आप फिर से रिपीट शो या रिकॉर्डेड शो हमारा 3 से 5 सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो मनपसंद ऐप के द्वारा. जी हाँ, रेडियो मनपसंद ऐप आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए, और वहाँ जाके आप सुन सकते हैं 3 से 5 बजे रिकॉर्डिंग. जी हाँ, आरती टंडन जी, जी हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग आपको सुनना चाहती हैं. आरती जी कह रही हैं कि मैं सुन सकती हूँ अपनी जो आपने इंटरव्यू लिया, बिल्कुल सुन सकती हैं. 3 से 5 बजे आप प्रोग्राम सुनेंगी तो आपको अपना आपकी अपनी आवाज़ आएगी. तो लोग लेट ट्यून कर रहे हैं तो आपने जो मिस किया वो भी आप सुन सकते हैं 3 से 5 बजे. जी हाँ, आप कहीं जा रहे हैं, पिकनिक करने जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या अपने बच्चे के स्कूल में बैठे हो, कोई कॉयर सुन रहे हैं तो अपने कान में लगा लीजिए, कॉयर सुनने की जरूरत. रेडियो मनपसंद सुनिए 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में. जी हाँ, चलिए जगदीश जी, आपसे भी बहुत दिनों के बाद मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा. चलो आगे मिलते हैं, हम लोग तो मिलेंगे. जी हाँ, मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10 से 11 बजे लाइव प्रोग्राम के साथ. जी हाँ, सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन भी, मंगलवार की शाम को भी, जो 7 से 8 बजे तक. जी हाँ, जो FM 91.1 पर ही सुनते हैं तो वो मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं. तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा 24 घंटे 7 दिन. और बस तो हम कहते हैं गुड बाय, सायोनारा, गुड बाय, सायोनारा, शाम को 7 बजे. और जी हाँ, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और इंजॉय योर स्कूल हॉलीडेज, इंजॉय द नवरात्रि का त्यौहार. और जी हाँ, याद रखिए दिवाली भी कि ज़्यादा दूर नहीं है, दिवाली है 27 अक्टूबर को, तो उसकी भी तैयारियाँ करना शुरू कर दीजिए. कल हम बात करेंगे दिवाली कहाँ कहाँ कैसे मनाई जाएगी, साथ में गांधी जी का, जी गांधी जी जयंती आ रही है, 150th ईयर ऑफ दिस मनाया जा रहा है, तो कल हम गांधी जी को याद करेंगे. जी हाँ, वैसे 2 अक्टूबर को यहाँ पर काफ़ी कार्यक्रम हो रहे हैं आपके कैनबरा शहर में, उस बारे में भी बात करेंगे. और चलिए, और बस जाते जाते एक प्यारा सा गीत ललिता जी की ही पसंद का. वो कह रही हैं कि आपने पुराने गाने सुनाए तो अब एक थोड़ा सा नया हटके लगा देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से द टॉप 10 में ये सॉन्ग तो बनता ही है. लता जी का हो क्या कोई भी
अगर बॉलीवुड की अगर लिस्ट बनेगी कि कौन से टॉप 10 सॉन्ग्स हैं तो ये गीत सबसे टॉप पर रहेगा. तो चलिए नमस्कार, जय हिंद एंड हैव अ लवली संडे एंड अ वीक अहेड. बाय बाय, एंजॉय योर स्कूल हॉलीडेज. नशे दिया पुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे, नशे दिया पुड़िया, गली दे गुंडे. मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना. मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ हो ओ हो. सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना. चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के.